तो अंतर नहीं पढ़ने वाला, मैं ही रहूँगा, टीचर मैं ही होऊंगा, चिंता ना करें आप। तो 3-4 दिन की बात रहेगी और इस हफ्ते में एक तो डिस्कशन, वो टेस्ट के डिस्कशन भी करने हैं, 2 टेस्ट के डिस्कशन पेंडिंग हो गए मेरे पास, वो भी करना है मुझे। कल से शाम में 6 बजे मिलते हैं, ठीक है? करेक्ट टाइम 6:15 चालू करेंगे हम लोग, कहीं पर 6:15, 7:15। ओके, स्टार्ट करते हैं अगस्त का। ओके, स्टार्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट खबर है CFS योजना, स्क्रीन स्कैन करते चलते हैं क्या क्या है ये। CFS स्कीम, कंसेशनल फाइनेंसिंग स्कीम, वन लाइन सुन लीजिएगा, कंसेशनल फाइनेंसिंग स्कीम है ये। ये हमारे विदेश मंत्रालय का इनिशिएटिव एक प्रकार का, जिसमें यदि इंडियन कंपनी कोई बाहर कोई प्रोजेक्ट हायर करती है, प्रोजेक्ट टेंडर भरती है, तो उसे छूट दी जाए कई प्रकार की, इससे हम लोग कॉम्पिटिशन में आगे आ सकें। कोई ग्लोबल टेंडर भरते हैं, ग्लोबल प्रोजेक्ट भरते हैं हम लोग, तो हम लोग लीड कर सकें प्रोजेक्ट में, इसीलिए उसे कंसेशन दिए जाएं, सस्ते लोन दिए जाएं, टैक्स में छूट दी जाए उस कंपनी को, जिससे वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव कर सके, ग्लोबल एरा में कॉम्पिटिशन कर सके। तो योजना हमारी है यहाँ पर ये, इसके तहत हम लोग ऐसी परियोजनाएं जो ग्लोबल स्केल पर हैं, कहीं ऑयल फील्ड है, कहीं पर डिफेंस फील्ड में कुछ करना है आपको, तो वहाँ पर आप निवेश करना चाहते हैं, वहाँ पार्टनरशिप हासिल करना चाहते हैं, वहाँ टेंडर भरना चाहते हैं, तो ऐसी इंडियन कंपनीज को दी जाएगी छूट इन्वेस्टमेंट की, और कई प्रकार के डिडक्शन उसके लिए किए जाएंगे। इसको नाम दिया गया है CFS योजना। क्लियर हो रहा है? ध्यान कीजिएगा। विदेशों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, विदेश में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए योजना लाई गई है। रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए योजना लाई गई है। 5 साल की योजना होगी, 18 से 23 के बीच, 5 साल का एक्सटेंशन है इसका, 18 से 23 के बीच। आगे बढ़ेंगे हम लोग, सेकंड पर आएंगे, सेकंड न्यूज पर। याद रखिएगा इसमें ना विदेश मंत्रालय इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है? MEA इन्वॉल्व रहेगा इसमें, MEA सेलेक्ट द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, तो MEA छाटेगा, परियोजनाओं में आपको छूट मिलेगी किसमें नहीं, तो विदेश मंत्रालय के प्रकार से ये मदद होगा, और मदद करेगा कौन इसमें आपका? एक्सिम बैंक, सस्ते लोन देगा आपको, वो छूट देगा यहाँ पर, तो एक्सिम बैंक मदद करेगा सरकार की या प्रोजेक्ट कंपनियों की, एक्सिम बैंक। आगे बढ़े हम लोग यहाँ से, प्लीज स्पीड में। सेकंड खबर पे आते हैं, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, श्री कृष्णा कमेटी की सलाह पे लाया गया था बिल ये, हालांकि पास नहीं हुआ। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, इसमें पूछा गया था क्वेश्चन इस पर, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल रिकमेंडेशन ऑफ श्री कृष्णा कमेटी, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया था श्री कृष्णा पैनल की सलाह पर, बिल आपको याद होगा, जिसमें डेटा सिक्योरिटी की बात कही गई है, जो बिग डेटा हमारा देश के बाहर जा रहा है, जो देश के बाहर डेटा इन्वॉल्व हो रहा है, जो जा रहा है देश के बाहर, हमारे से अमेज़न ले जा रही है या फेसबुक ले जा रही है डेटा देश के बाहर, उसे यहाँ पर रोका गया है, डेटा को सुरक्षित करने की बात कही गई है। तो देश में बिग डेटा को सुरक्षित करने की बात कही गई है इस बिल के अंतर्गत, हालांकि बिल पास नहीं हुआ है ये। याद रखिएगा की एस्पेक्ट इसका, इसमें डेटा को दो भागों में बांट दिया इन्होंने, एक ऐसा डेटा जो सेंसिटिव डेटा है और एक जनरल डेटा सामान्य डेटा है। तो सुन लीजिए यहाँ पर, तो ये कहता है कि दो प्रकार के डेटा होंगे अपने देश में, एक होगा सेंसिटिव पर्सनल डेटा, जो वित्तीय डेटा है आपका, आपके बारे में रिकॉर्ड है, आपके बारे में ऑफिशियल आपकी आइडेंटिटी है, और इसके अलावा सामान्य डेटा जो जनरल डेटा हो सकता है। तो ये बिल कहता है भैया सेंसिटिव डेटा जो होगा उसकी आपको कॉपी स्टोर करनी पड़ेगी इंडिया में, और जनरल डेटा है उसकी कॉपी यहाँ और एक बाहर स्टोर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई किया गया है डेटा को, तो और जो भी जेनेटिक डेटा होगा, बायोमेट्रिक डेटा होगा, हेल्थ डेटा है, फाइनेंशियल डेटा है, सब पाना जाएगा आपका संवेदनशील डेटा। तो यहाँ पर कहा गया है कि इसे आप इंडिया में स्टोर करेंगे, इसे बाहर लेकर नहीं जाएंगे। तो क्लियर कहा है यहाँ पर पर्सनल डेटा के बारे में, पर्सनल डेटा आपका यहाँ भी स्टोर करना तो जरूरी है ही है, आप बाहर भी स्टोर कर सकते हैं। सॉरी माफ कीजिएगा, सुन लीजिए यहाँ पर,
सेंसिटिव पर्सनल डेटा और अदर पर्सनल डेटा, मैं कहूँ उसको तो बांट बांटता हूँ। सेंसिटिव डेटा ओनली स्टोर इन इंडिया, ये केवल भारत में स्टोर होगा, और ये डेटा दो जगह स्टोर हो सकता है, भारत में भी और बाहर भी, तो इंडिया एंड अब्रॉड, कहीं भी स्टोर कर सकते हैं इसको आप, भारत या बाहर कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, या दोनों कर सकते हैं या किसी की जगह कर सकते हैं। तो भाई ये बात हमारी यहाँ पर ही तो क्लियर करिएगा, डेटा बनाने बात कही इन्होंने यहाँ पर। चलिए तो ऐसा कंपनी वायलेशन करेगी इसको तो जुर्माना देना पड़ेगा कंपनी को यहाँ पर। तो इसके अलावा एक सलाह उन्होंने दी है यहाँ पर, जो काम कराएगा चर्चा हो सकती है, राइट टू हमारा राइट टू बी फॉरगॉटन, याद रखिएगा ये वर्ड आता है काम का आपका, राइट टू फॉरगॉटन, ये अधिकार, ये सलाह दी उन्होंने कि ये लागू किया जाए देश के अंदर, राइट टू फॉरगॉटन। इसका मतलब क्या है, आज माल्या मान लीजिए आरोपी है, उसका नाम खूब लिखा जा रहा है फेसबुक पर, लिखा जा रहा है गूगल पेजेस पर, वो पेज स्टोर हो गए आपके सर्वर पर जाकर, कल माल्या रीपे कर दे, दोष मुक्त करार हो जाए, तो ऐसे में ये जो मामला है तो माल्या अपील कर सकता है फेसबुक को या गूगल को कि भैया पुराने पेज हटा दीजिए मेरे, जो मेरे को बदनाम करते हैं। तो राइट टू फॉरगॉटन है उसके पास, कि वो अपील करेगा, उनको हटाना पड़ेगा। यदि किसी बारे में कुछ लिखा गया है गलत या कुछ फेक लिखा गया है तो कह सकता है हटाया जाए वहाँ से, या वो दोष मुक्त हो गया है तो हटाने की बात कर सकता है, हटाया जाए उस पोर्टल से वहाँ से। तो राइट टू फॉरगॉटन यानी भूलने का अधिकार, आपका सर्वर आपका डेटा स्टोरेज भूल जाए उसको, या कुछ था भी कभी वहाँ पर, तो ये अधिकार सलाह दिए, कई देशों में लागू किया गया था इसको, तो यहाँ पर राइट टू फॉरगॉटन को लाने की बात कही है इस बिल के अंतर्गत, काम की चर्चा रहेगी इसके ऊपर। इसके अलावा उल्लंघन करने पर कंपनी को जुर्माना लगाने की बात कही है इसमें, उसमें कहा गया है कि पेनल्टी ऑफ 15 करोड़ या 4% ऑफ कंपनी का टर्नओवर, वो अलग बात इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन कंपनी जुर्माना लगेगा इस पर, कंपनी को छीना सकता है लाइसेंस का। इसके अलावा इस बिल में एक जगह कहा गया है कि देश में बनाएगी अथॉरिटी, इसका नाम होगा डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी होगी देश में, जो नियमन करेगी डेटा प्रोटेक्शन का, तो रेगुलेटरी बॉडी होगी ये, लास्ट लिख लीजिएगा। इस बिल के तहत देश में एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी, डेटा संरक्षण प्राधिकरण बनाया जाएगा, जो नियमन करेगा इस पूरे सेक्टर का, इस पूरे सेक्टर का नियमन करेगा ये डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। आगे बढ़े हम लोग स्पीड में, श्री कृष्ण रिकमेंडेशन में लाया गया बिल था ये डेटा प्रोटेक्शन बिल। चलिए आगे बढ़ेंगे आपके साथ, वाला लिखेंगे टर्निटिन, सॉफ्टवेयर का नाम है ये टर्निटिन, TURNITIN टर्निटिन सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन TURNITIN टर्निटिन सॉफ्टवेयर। आप सुना होगा जो चीटिंग होती है बड़े स्केल पर, PhD लेवल्स पर कॉपी छाप देते हैं उठा के दूसरे की, हम लोग प्लेजरिज्म करते हैं बड़े स्केल पर, किसी की रिसर्च कॉपी नाम छाप देते हैं, तो इसको रोकने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इसमें डालने पर आप डालेंगे सॉफ्टवेयर में डालेंगे अपनी रिपोर्ट को, PhD को, तो बता दें कौन कौन सा पार्ट किस किस रिपोर्ट से लिया गया है, या कौन कौन से हमने कहाँ से चुराया है बेसिकली। तो ये एक प्रकार से एजुकेशन में प्लेजरिज्म को या नकल को या चोरी को रोकने के लिए, कॉपीराइट वायलेशन रोकने के लिए बनाया गया है ये सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर है, HRD ने तैयार किया है, HRD प्रयोग कर रहा है इसका आजकल, इसके जरिए PhD में चीटिंग को रोका जा सके, क्योंकि कंप्लेंट आई है पिछले कुछ सालों में कि हमारे यहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, PhD कर रहे हैं वो लोग, उनकी नकल, उनमें काफ़ी नकल देखी जाती है वहाँ पर। हो भाई ये बात हमारी यहाँ पर, ये एक जगह ई शोध सिंधु, ये जो इंडिया में रिसर्च हो रही हैं या रिसर्च हुई हैं उनका डेटाबेस होगा, तो आप जान सकते हैं इंडिया में कहाँ क्या रिसर्च हो रही है और कहाँ पर कौन सा PhD करी जा रही है, उसके बारे में एक पूरा डेट होगा, ई शोध सिंधु। आगे बढ़ेंगे आपके साथ, टर्निटिन और ई शोध सिंधु याद रखिएगा, PT में आ सकता है। आगे बढ़ेंगे, मणिपुर का नागरिक संरक्षण विधेयक, मणिपुर का पीपुल्स प्रोटेक्शन बिल अगली खबर है, मणिपुर का नागरिक संरक्षण विधेयक पीपुल्स प्रोटेक्शन बिल 2018। कुल मिला के मणिपुर में इनर लाइन परमिट चालू करने की बात कहता है, इसका विरोध हुआ मणिपुर में काफी, ये मणिपुर में इनर लाइन परमिट, याद है आपको कुछ राज्यों में चलता है परमिट हमारे यहाँ पर, जहाँ काम करने के लिए, जहाँ रहने के लिए आपको वहाँ की अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ता है, तो मणिपुर में ये बिल लाया गया, पीपुल्स प्रोटेक्शन बिल लाया गया, जिससे बाहर से आने वाले और बाहर जाने वाले लोगों पर आप नियमन कर सकें, रेगुलेशन कर सकें। याद रखिएगा देश के कुछ इलाकों में चलता है, इसमें अरुणाचल है, मिजोरम है, नागालैंड है, जहाँ आपको इनर लाइन परमिट लेना होता है काम करने के लिए, वहाँ रहने के लिए, तो मणिपुर भी इसमें शामिल हो जाएगा यदि बिल पास हो जाता है तो। ये तो अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड और अब मणिपुर वो राज्य होंगे जहाँ पर काम करने के लिए बाहरी आदमी को परमिट की आवश्यकता होती है, इसे कहते हैं हम लोग इनर लाइन परमिट, याद रखना इसे हम लोग इनर लाइन परमिट या पीपुल्स प्रोटेक्शन बिल 2018 लाया गया था मणिपुर के अंदर।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे आपके साथ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डी वोटर। वन लाइन लिखेंगे डी वोटर के बारे में, क्या होते हैं डी वोटर या डाउटफुल वोटर। डी वोटर या डाउटफुल वोटर लिख लीजिए वन लाइन में। संदेश पद वोटर या डी वोटर बोलते हैं हम लोग। डी वोटर्स या डाउटफुल वोटर्स, ऐसे वोटर जिनके पास वोटर आईडी तो है लेकिन किसी नागरिकता संदेह में है, उनके पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है कि उनका नाम एनआरसी में क्यों आए। अब जानते हैं एनआरसी बन रहा था असम में, तो उनका नाम, उनके पास वोटर आईडी तो है, वोट तो कर रहे हैं बकायदा वो लोग, लेकिन उनका नाम एनआरसी में नहीं आ पाया है, तो ऐसे लोग आ गए डी वोटर कहलाएंगे। डाउटफुल वोटर हैं कि आपने गलत तरीके से हासिल कर ली है वोटर आईडी कैसे भी करके, तो डाउटफुल वोटर जिनका नाम एनआरसी में है नहीं है लेकिन उनके पास वोटर आईडी है। समझ आए मुझे बात? यहाँ पर 40 लाख लोग कभी वैसे थे देश में जो एनआरसी में नाम नहीं ला पाए अपना, असम के उनमें से कुछ लोग ऐसे इनके पास वोटर आईडी है, उन्हें कहा जाएगा डी वोटर इस केस में। आगे बढ़ेंगे आपके साथ। असम हर जगह के लिए, कहीं भी ऐसे लोग हों आपका नाम नहीं है नागरिकता सूची पर, आपका वोटर आईडी है, हालांकि असम में ही तैयार हुआ एनआरसी, अगर कहीं और तैयार होगा एनआरसी तो वहाँ भी कराएंगे डी वोटर केस में। एक जनरल टर्म है डी वोटर। लिखिएगा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2018, आपराधिक संहिता में बदलाव संशोधन, आपराधिक संहिता में संशोधन अमेंडमेंट इन क्रिमिनल लॉ, जिसमें कम आयु के बच्चों के साथ बलात्कार करने पर मृत्यु उनके सजा का प्रावधान किया गया, दौरान जोड़ लीजिएगा। इसके तहत माइनर या छोटी बच्चियों या 12 साल से कम आयु की लड़कियों के साथ बलात्कार करने पर 20 साल की सजा या अधिकतम मृत्यु दंड दिया सकता है। अमेंडमेंट किया गया है इस कानून में, 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची से बलात्कार करने पर 20 साल की सजा या मृत्यु दंड तक दिया सकता है। डेथ सेंटेंस और लाइफ इंप्रिजनमेंट की बात कही गई है, पहले 10 साल की सजा थी इसमें, ये इसको बढ़ाकर 20 साल कर दिया है, या 20 साल या फिर मृत्यु दंड दिया जाएगा 12 साल से कम आयु की बच्ची से बलात्कार करने पर, जोड़ी गई है यहाँ पर। चलिए इसमें याद कीजिएगा, बाकी 16 साल से कम है, 12 से अधिक 16 से कम है, तो यहाँ पर आपको मृत्यु दंड नहीं होगा, उसमें उसमें पनिशमेंट की बात कही गई, लाइफ इंप्रिजनमेंट की बात कही गई है। तो 12 16 आयु की बच्ची वर्ष बलात्कार होने पर दोषी के खिलाफ 20 वर्ष की सजा तक हो सकती है, 20 वर्ष की सजा तक उसमें हो सकती है। पहले 7 साल की सजा थी, उसको बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा इसमें अमेंडमेंट ये किया गया है कि यहाँ पर जो केस होगा उसे 2 महीने के अंदर खत्म किया जाएगा, केस पूरा ट्रायल जो होगा अंडर 2 मंथ्स खत्म किया जाएगा, 2 महीने के अंदर पूरा खत्म कर लिया जाएगा मामला, आपके सॉरी 2 महीने के अंदर जांच पूरी कर ली जाएगी और केस 6 महीने पूरा कर दिया जाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी इन 2 मंथ्स और ट्रायल इन अंडर 6 मंथ, जाँच 2 महीने में और केस पूरा 6 महीने पूरा हो जाना चाहिए। कोई जमानत नहीं मिलेगी, कोई नहीं मिलेगी इसमें अब अपराधी को, कोई एंटीसिपेट प्रोविजन नहीं होगा अब, और इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएंगी, जांच 2 महीने में, केस सुनवाई 6 महीने में, कोई जमानत नहीं, कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं, और विशेष अदालतें बनाई जाएंगी इस प्रकार के मामले। आगे बढ़ेंगे आपके साथ। यह है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2018 का, तो पास हो गया संसद से। याद रखिएगा सरकार ने एससी एसटी में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसे पलटने के लिए एक अध्यादेश लाई थी, बाद में कानून बन गया, आपको नॉलेज होना चाहिए। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत जो गिरफ्तारी होती है एफआईआर होते ही उसे रोक दिया था, उन्होंने कहा था कि जांच के बाद ही गिरफ्तारी होगी यदि किसी व्यक्ति पर एससी एसटी केस के तहत मामला दर्ज कराया जाता है, लेकिन सरकार ने उस आदेश को, कोर्ट के आदेश को नलीफाइड करने के लिए, वॉइड नल करने के लिए अमेंडमेंट किया कानून में, और अब लिख दिया कानून के अंदर गिरफ्तारी अनिवार्य है, चाहे एफआईआर जांच हुई हो या ना हुई हो, तो विदाउट इन्वेस्टिगेशन आप अरेस्ट करना पड़ेगा, एफआईआर होते ही जो व्यक्ति ने अत्याचार किया है एससी एसटी पर वो अरेस्ट होगा ही होगा। जोड़ लेंगे थोड़ा सा यहाँ पर, अमेंडमेंट इन एससी एसटी एक्ट, एससी एसटी अधिनियम में संशोधन, एससी एसटी अधिनियम में संशोधन जोड़ लीजिएगा इसके बारे में, क्या है ये, कब का एक्ट है, एक्ट आप जानते ही है 1989 का एक्ट है, 20 साल पुराना एक्ट लगभग ये, एससी एसटी एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अत्याचार निवारण अधिनियम 89 का एक्ट है ये, इसमें बदलाव किया गया है। पहला पॉइंट लिखिए क्या बदलाव हुआ है, फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ है, गिरफ्तारी के पहले प्राथमिक जांच अनिवार्य नहीं है, पहला अमेंडमेंट, 3 पॉइंट लिखेंगे हम लोग, 3 पॉइंट इसमें पॉइंट है, चर्चा रहेगी साल भर इस पर। पहला पॉइंट है गिरफ्तारी के लिए प्राथमिक जांच अनिवार्य नहीं है, प्राइमरी इंक्वायरी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड,
शैल नॉट वर्ड यूज किया, यानी अनिवार्य नहीं है। दूसरा, इसके तहत गिरफ्तार करने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी अधिकारी, किसी भी रैंक का अधिकारी है तो आपको विदाउट अप्रूवल अरेस्ट कर सकते हैं उसको। आप गिरफ्तारी करने के लिए किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। और मामलों में एंटीसिपेटरी बिल, हिंदी में क्या कहते हैं एंटीसिपेटरी बिल, नहीं गैर जमानती नहीं होता, सजा से पहले ही कोर्ट की सुनवाई से साल पहले ही आप जमानत के लिए अपील करते हैं, एंटीसिपेटरी अग्रिम जमानत, अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी इस मामले में, अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी, एंटीसिपेटरी बेल नहीं होगी, अग्रिम जमानत होगी। वो भाई बात हमारी यहाँ पर तीन पॉइंट है, याद रखिएगा, बदला गया था SC ST एक्ट। आगे चलेंगे आपके साथ, कमर्शियल कोर्ट की बात मैं कर चुका हूँ आपसे कुछ महीने पहले, फरवरी बात मैंने की, फरवरी टॉपिक बात की थी आपसे। अब कमर्शियल कोर्ट जो होती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पैरेलल में, समझ सकते हैं इससे हम लोग यहाँ पर, कमर्शियल कोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स 2018 अगस्त, ओके। ये जो कमर्शियल कोर्ट होती हैं ये होती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्थान पर साथ में, और कमर्शियल डिवीजन जो होती हैं वो हाई कोर्ट के पैरेलल होती हैं, और इनके ऊपर होती है कमर्शियल अपीलेट कोर्ट जो कि हाई कोर्ट के साथ ही होती है, इनके खिलाफ सुनवाई कर सकते हैं अब यहाँ पर जाकर। तो यहाँ पर बात करेंगे इन मामलों में, पहले मामले आते थे वो जो 1 करोड़ तक के मामले होते थे उनको अपील कर सकते थे आप यहाँ पर, अब यहाँ पर 3 लाख कर दिया गया है। अच्छा, लिखवा चुका हूँ उस पॉइंट को मैं कि अब कमर्शियल कोर्ट में सुनवाई के लिए 3 लाख का पर्याप्त होगा मामला, और सुनवाई होगी, बिल पास किया गया, अमेंडमेंट किया गया है, तो कमर्शियल कोर्ट में हेयरिंग के लिए अधिक कम से कम 3 लाख का मामला होना चाहिए, तभी आप हेयरिंग कर पाएंगे कमर्शियल कोर्ट में, जो पहले 1 करोड़ की राशि थी। अधिक के शामिल हो पाएंगे कमर्शियल कोर्ट में। अब याद रखिए स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये होता है जिला स्तर पर, ये होता है हाई कोर्ट के स्तर पर, और ये ऊपर होती है दोनों के, हाई कोर्ट के ऊपर होती है ये, नॉट सुप्रीम कोर्ट लेवल नहीं, हाई कोर्ट के लेवल पर ही होती है ये, अपीलेट कोर्ट या अपीलीय न्यायालय। 3 प्रकार के न्यायालय बने देश में, कमर्शियल कोर्ट के लिए 2 कोर्ट हैं और 1 अपीलीय न्यायालय है। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से, कमर्शियल कोर्ट की चर्चा रही है, चलिए हेड नहीं गेरा, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी प्रिपेयरनेस इंडेक्स या CP, स्टेट एनर्जी इफिशियंसी प्रिपेयरनेस इंडेक्स, CP, स्टेट एनर्जी इफिशियंसी प्रिपेयरनेस इंडेक्स CP, देखिएगा, ऊर्जा मंत्रालय और BEE ने मिलकर तैयार किया, इसमें लिखेंगे थोड़ा सा, ऊर्जा मंत्रालय और BEE ने मिलकर तैयार किया है, ऊर्जा मंत्रालय और उसका भाग है जो आपका BEE का पाठ है इसको, ऊर्जा मंत्रालय और BEE ने मिलकर, BEE ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने मिलकर तैयार किया है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यों को ऊर्जा दक्षता के आधार पर रैंकिंग दी जाएगी, स्टेट रैंकिंग बेस्ड ऑन देयर एनर्जी एफिशिएंसी, राज्यों को ऊर्जा दक्षता के आधार पर रैंकिंग दी जाएगी, स्टेट रैंकिंग बेस्ड ऑन देयर एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, सबसे टॉप पर था इसमें मेरे ख्याल से आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र टॉप कंट्री हैं, टॉप इसमें स्टेट हैं, आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्रा केरला, माफ कीजिए, सॉरी आंध्रा केरला महाराष्ट्र, आंध्रा केरला महाराष्ट्र टॉप थ्री स्टेट हैं। भाई दोस्त बात हमारी CP याद रखिए, पूछ सकता है इंडेक्स से, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी प्रिपेयरनेस इंडेक्स तैयार किया ऊर्जा मंत्रालय ने। आगे बढ़ेंगे आपके साथ, मिशन सत्यनिष्ठा, मिशन सत्यनिष्ठा, मिशन सत्यनिष्ठा रेलवे मंत्रालय का है, गवर्नेंस में एथिकल वैल्यूज को बढ़ाने के लिए, रेलवे में एथिकल वैल्यूज को बढ़ाने के लिए मिशन सत्यनिष्ठा नाम से होगा स्पष्ट, सत्यनिष्ठा, रेलवे में नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए रेल कर्मचारी नैतिक बने, PT आपका ढंग से काम करे, स्टाफ जो है खाना वाना लेके आता ढंग से काम करे आपके लिए, ये सत्यनिष्ठा होना वहाँ पर। देखिए हमारा काम होता है पढ़ना क्या कर रही है सरकार, वैल्यूशन सरकार खुद करती है, मीन्स वाला पॉइंट होता है कि क्या कर रहे हैं, तो ठीक है एक कॉन्सेप्ट लाया गया है, एटलीस्ट सरकार निषेध तो किया, माना सरकार ने गलतियाँ होती हैं कुछ, अब ये एक पहला स्टेप जरूर है, हो सकता है आगे जाके मजबूत स्टेप बनेंगे यही,
पहली बार समझ में आज तक आता ही लोगों को अनैतिक लोग बैठे हैं वहां पर, अभी समझ में आता कि नैतिकता जरूरी है उन लोगों के लिए। प्रैक्टिस प्रयास किया गया है, सराहनीय प्रयास है। ये है कि अब धीरे धीरे एजुकेट होंगे लोग इस बारे में तो शायद बेहतर काम कर पाए। जैसे पहले ब्यूरोक्रेट को एथिक्स पढ़ाए थे, आप एथिक्स पढ़ाते हैं आपको, क्यों हम मानते हैं कि अनैतिक होते हैं ब्यूरोक्रेट, पढ़ाया जाए इनको नैतिकता यहाँ पर। प्लीज सत्यनिष्ठा की बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे आपके साथ, समय थोड़ा कम है। हेड बनाएंगे प्रसाद स्कीम में कुछ नहीं करना है। प्रसाद स्कीम जानते हैं क्या है? प्रसाद स्कीम टूरिज्म मंत्रालय की, टूरिज्म मंत्रालय की, अमृत और हृदय, ठीक है। प्रसाद प्रसाद स्कीम किसकी है? टूरिज्म मंत्रालय की, पर्यटन मंत्रालय की है। एक स्कीम अमृत और एक है हृदय, दोनों है आपके शहरी विकास मंत्रालय की, और प्रसाद है आपके टूरिज्म मिनिस्ट्री की। खास बात, देश के 25-26 शहरों को पहचाना गया है जहां टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्पॉन्सर किया जाएगा, इंफ्रा बनाया जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाएगा देश के 26 शहरों में, 26 शहरों में लगाया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। पढ़ लीजिएगा, दिया हुआ एयरबुक के अंदर नाम दिए 26 शहरों के, प्लीज उसको वहां से रेफर कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे आपके साथ, प्रसाद योजना, कॉमन सर्विस सेंटर से, कॉमन सर्विस सेंटर से दी जाएंगी आयुष्मान भारत की योजना, या आयुष्मान भारत पहुंचाया जाएगा लोगों तक, वन लाइन याद रखेंगे। कुल मिलाकर कॉमन सर्विस सेंटर बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो मुझे लगता है इस बार ये पूछेगा यूपीएससी आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से काम सीएससी से हो सकते हैं, कौन कौन से एक्टिविटीज सीएससी स्पॉन्सर करता है, तो हर चीज़ लगा दीजिएगा बिना सोचे उसके अंदर। आपने कुछ दिनों पर देखा था स्त्री स्वाभिमान अभियान, वो भी लॉन्च कर रहा है उन्होंने वहाँ पर, वो ब्रॉडबैंड दे रहा है आपको, वो ई गवर्नेंस दे रहा है आपको, वो बैंकिंग सेवाएँ दे रहा है आपको, वो ई कॉमर्स सेवाएं दे रहा है आपको, वो अब दे रहा है यहाँ पर दैट वन इज आयुष्मान भारत भी। यानी कहीं ना कहीं दायरा बढ़ रहा है कॉमन सर्विस सेंटर का, और लगभग हर एक्टिविटी शामिल हो रही है, अपने आप में हब बन गए हैं बिल्कुल प्रकार से, ब्रॉडबैंड के और देश के विकास के हब बनते जा रहे हैं कॉमन सर्विस सेंटर। आगे बढ़ेंगे आपके साथ, नेक्स्ट हेडिंग, 123वां संविधान संशोधन विधेयक, 123 संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, CAB 123 CAB की बात करें, लाया इसलिए गया था बैकवर्ड कमीशन को संविधानिक दर्जा देने के लिए, तो जोड़ लीजिएगा, इसके जरिए नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को संविधानिक स्टेटस दिया जाएगा। आर्टिकल 338B राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधानिक दर्जा दिया जाएगा, जैसे SC ST कमीशन है, आर्टिकल जुड़ेगा 338B संविधान में, 338B जो बैकवर्ड कमीशन को देगा संविधानिक दर्जा। आर्टिकल 338B जोड़ा जाएगा संविधान में, इसमें एक चेयरपर्सन होंगे, एक वाइस चेयरपर्सन प्लस तीन मेंबर होंगे, 1+1+3, एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और प्लस तीन मेंबर होंगे जिनका नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, 1+1+3, 338B अपॉइंटमेंट करेगा राष्ट्रपति, अमेंडमेंट नंबर 123 पास हो गया, ये पास हो गया है? नहीं हुआ है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा पास हुआ है कि नहीं है। वो तो आरक्षण विधेयक था दोस्त, आरक्षण था ये, शायद पास देखना पड़ेगा मुझे, आई डोंट नो, चेक कर आउट कर लेंगे। बिल याद रखिएगा अमेंडमेंट नंबर 123, मैं कहते पास नहीं हुआ ये, क्योंकि 100वां GST था उसका 101 बार ये पास किया उन्होंने यहाँ पर आरक्षण विधेयक, बीच में कुछ पास हुआ ही नहीं मेरे ख्याल से इसमें, चेक आउट कर लीजिएगा, मिल जाएगा होगा तो कुछ दिख जाएगा, मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे आपके साथ, देख लेंगे हम लोग, थोड़ी देखता हूँ मैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर 123वां संविधान विधेयक नंबर 123 है, अभी फिलहाल ये प्लीज आगे बढ़ते हैं। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, हेड बनाएंगेरा नेशनल वायरल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, देश से हेपेटाइटिस खत्म करना है 2030 तक का लक्ष्य है, राष्ट्रीय हेपेटाइटिस उन्मूलन नियंत्रण कार्यक्रम 2030 तक देश से हेपेटाइटिस खत्म करने का प्रोग्राम है, ये लक्ष्य किया गया है, खत्म किया जाएगा हेपेटाइटिस 2030 तक। इसमें कुछ खास नहीं करना है, कुछ नहीं बस याद रखिएगा 2030 तक खत्म करना है, SDG टारगेट है हेपेटाइटिस को देश से हमारे यहाँ पर। सेवा भोज योजना लिखवा चुका हूँ मैं आपको, सेवा भोज योजना हो चुकी है हमारी लास्ट में। मुख्यमंत्री युवा नेस्थम योजना, हेड बनाएंगे मुख्यमंत्री युवा नेस्थम योजना, मुख्यमंत्री युवा नेस्थम योजना आंध्र प्रदेश सरकार की योजना, बेरोजगारी भत्ते का नाम है ये, मुख्यमंत्री युवा नेस्थम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एक प्रकार का ये भत्ता है बेरोजगारी का, तो दिया जाएगा कितना है वह 1000 रुपये पर मंथ होना चाहिए,
₹1,000 महीना दिया जाएगा जो 22 से 35 साल के 12 लाख युवा हैं इस राज्य में उनके लिए ₹1,000 पर महीना, ठीक है, 22 से 35 साल के युवाओं को देगी सरकार। बहुत राज्यों में दे रहे हैं भत्ता आजकल, ये बहुत राज्यों में दिया जा रहा है, भी राजस्थान सरकार भी दे रही है, हरियाणा भी दे रही है, यूपी सरकार ने सुना देने का बात की थी, बंद हो गया। एमपी में भी हुआ है, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन बनेगा इस पर कितना, क्योंकि आजकल लोग कैसे बात करते होंगे कि इंसेंटिव की, हम लोग कोई कह रहा है 72,000 देंगे, कोई यूथ को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, यहाँ पर तो सारी बातें कितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं, क्या बेहतर हम लोग प्लानिंग नहीं कर सकते इसका, क्या रोजगार योजना लॉन्च कर सकती है इससे बढ़िया हमारे देश में। चलिए याद रखिएगा, कुल मिलाकर मुख्यमंत्री नेस्थम या युवा नेस्थम योजना डिगी यात्रा बनाने के लिए, डिगी यात्रा पर, डिगी यात्रा, डिजी या डिगी यात्रा, डिजिटल यात्रा बोल रही शॉर्ट में, डिजिटल यात्रा या डिगी यात्रा नाम है इसका, आंध्रा 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 की स्कीम थी मुख्यमंत्री युवा नेस्थम। मैं बात कर रहा हूँ आपसे यहाँ पर डिगी यात्रा या डिजी यात्रा या डिजिटल यात्रा बोल लीजिए, जो आपका एविएशन सेक्टर है, विमानन क्षेत्र है, उसकी जानकारी उपलब्ध होगी आपको अपनी ऐप पर, एक ऐप खोलिए, सारी टिकट बुक कर सकते हैं, टिकट की जगह वो दिखा सकते हैं आराम से, नहीं पेपरलेस करना, आपकी यात्रा को आरामदायक करना, डिजी यात्रा का उद्देश्य लिख लीजिएगा, यात्रियों के उड़ान अनुभव को बेहतर करने के लिए बनाई गई डिजी यात्रा, एनहेंस एयर पैसेंजर एक्सपीरियंस, यात्रियों के उड़ान अनुभव को बेहतर करने के लिए बनाई गई है डिजी यात्रा, उड़ान अनुभव को बेहतर बनाई गई है डिजी यात्रा स्कीम, याद पाएंगे डिजी यात्रा, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन का प्लान है। कुल मिला के आपका अनुभव कैसा रहा, जैसे आपने पढ़ा था उस दिन सुखद यात्रा पढ़ा होगा, सड़क की बनाई थी, वैसी काम है ये, टिकट बुक कराना हो, चेकिंग क्या करवाना है, चेक कवर कर सकते हैं आप, सामान खो गया कंप्लेंट करानी हो आपको, सब एक पोर्टल मिल जाएगा आपको, ये सिक्योरिटी चेक, एंट्री चेक, एयरक्राफ्ट बोर्डिंग, सब एक जगह मिलेगा आपको, एक ऐप पे मिलेगा सब कुछ, डिगी यात्रा या डिजी यात्रा। अभी पीएम साहब स्पीच बोल रहे थे परसों किसी अपनी रैली में, बोल भी रहे थे शब्द को, तो चर्चा रही है शब्द की डिगी यात्रा। आगे बढ़ेंगे आपके साथ, GDPR बात पे कर चुका हूँ, GDPR लॉ है यूरोप का, वहाँ के डेटा को बाहर निकलने से रोकने के लिए, ऑनलाइन जोड़ लीजिएगा GDPR, GDPR पूरा नाम है इसका जर्नल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, GDPR जर्नल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, यूरोप के कंपनियों या यूरोप के डेटा को बाहर निकलने से या कॉन्टिनेंट के बाहर निकलने से रोकने के लिए या सुरक्षित करने के लिए, कह लीजिए एक प्रकार से यूरोप के डेटा को सुरक्षित करने के लिए, यूरोप के डेटा को सुरक्षित करने के लिए ये बनाई गई योजना, बात कर चुका हूँ पहले क्लास में इस पर, इसी क्लास में अपने फरवरी या मार्च में बात की थी इस बारे में। तो GDPR यदि कोई कंपनी बाहर काम करना चाहती है यूरोप से, डेटा बाहर ले जाना चाहती है, तो कड़े नियम बनाए गए उसके लिए, डेटा लीक ना हो, डेटा की सुरक्षित रहे यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे वाला आपके साथ, एक वर्ड आया था सेफगार्ड ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी क्या होती है, WTO का प्रोविजन होता है सेफगार्ड ड्यूटी, जिसके तहत कोई देश अपनी इंडस्ट्री को सेफ करने के लिए बाहर से आने वाले माल पर ड्यूटी लगा सकता है, सेफगार्ड ड्यूटी WTO का प्रोविजन है जिसके तहत कोई देश बाहर से आने वाले माल पर टैक्स लगा सकता है यदि उसकी इंडस्ट्री खतरे में होती है। तो याद रखिए सेफगार्ड ड्यूटी लगाई गई है, किस पर लगाई गई थी, सोलर पैनल्स पर, हालांकि बाद में विड्रॉ कर लिया गया इसको। चर्चा रही सेफगार्ड ड्यूटी की, सेफगार्ड ड्यूटी WTO का प्रोविजन है जिसके तहत बाहर से आने वाले माल पर आप ड्यूटी लगा सकते हैं एक्स्ट्रा, इससे अगर यदि आप करके उद्योग खराब हो रहे हैं तो आप लगा सकते हैं बाहर से आने वाले पर ड्यूटी। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम लोग इससे, सेफगार्ड ड्यूटी प्लीज, नेक्स्ट टॉपिक हेड बनाएंगे CRIF फंड सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, CRIF फंड सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, सेंट्रल रोड एंड इंफ्रा फंड के लिए शॉर्ट में सेंट्रल रोड एंड इंफ्रा फंड, सुन लीजिए वन लाइन यहाँ पर काम का है, एक अमर खाट की और है, देश में सड़क बनती है, गवर्नमेंट सुनेगा ध्यान से इस खबर को, क्वेश्चन बनेगा लेकिन कुछ पूछ सकता है जोड़कर, देश में सड़क जो बनती है हमारे यहाँ पर, हाईवे बनते हैं, नेशनल हाईवे बनते हैं हमारे यहाँ पर, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सड़कें बनती हैं जो, इन दोनों ही को स्पॉन्सर करती है भारत सरकार, नेशनल हाईवे और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क को, बाकी स्टेट हाईवे स्टेट सरकार बनाती है अपना, इन दोनों के लिए पैसा कहाँ से आता है, इन दोनों का पैसा आता है हमारा सेंट्रल रोड फंड एक्ट, एक कानून है हमारे यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सेंट्रल रोड फंड एक्ट है जिसमें पेट्रोल और डीजल पर हम लोग सेस लेते हैं और वो जाता है सड़क बनने के लिए, हाईवे की वो जाता है पैसा,
पेट्रोल को भी जाता है सड़क बनने के लिए, नेशनल हाईवे डीजल को भी जाता है पीएमजीएसवाई के लिए। दोनों पर लगता है सेस हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल पर, पेट्रोल को जाता है पैसा नेशनल हाईवे के लिए, डीजल जाता है हमारा पीएमजीएसवाई के लिए। ये नियम हमारे यहाँ पर है। अब यहाँ क्या किया गया, अब तक जाता था मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट में, यानी कि भूतल परिवहन मंत्रालय में आता था ये डिपार्टमेंट, ये फंड। पेट्रोल सेस पे लेंगे, डीजल सेस देंगे, जाएगा भाई सड़क बनने के लिए, ये फंड था, अंडर था किसके अधीन, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट के अधीन था। अब नई व्यवस्था आ गई है, इस फंड का नाम बदल दिया गया, सीआरआई फंड हो गया पहली बात तो, अब ये सेंट्रल रोड इंफ्रा फंड। अब इसका पैसा कहाँ का खर्च होगा, ना केवल सड़क निर्माण में, ना केवल पीएमजीएसवाई में, ना केवल वाटरवेज में, बल्कि इंफ्रा में भी, यानी मल्टीपल जगह खर्च हो सकता है पैसा। सड़क बनानी हो आपको, यहाँ पर एनएच बनाने हो आपको, पीएमजीएसवाई बनाना हो आपको, नेशनल वाटरवे बनाने हो, या कोई और इंफ्रा खड़ा करना हो देश के अंदर, उसमें तो पैसा जाएगा। पैसा अभी आया कहाँ से, अभी भी सोर्स यही है पैसे का, डिस्ट्रीब्यूशन अदा कर दिया है, इसीलिए अब इसको दे दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दिया गया है फंड। अब तो हैंड ओवर चेंज कर दिया आपने, मालिक अब तक इसका सरफेस ट्रांसपोर्ट था, अब मालिक होगा इसका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या समझ में आ रही बात मेरी यहाँ पर? तो मंत्रालय बदला गया है, नाम बदला गया है, और डेस्टिनेशन बदली गई है इसकी, सोर्स वही है फंड का, पेट्रोल डीजल सेस। सुन लीजिए यहाँ पर, नाम बदल गया है, नाम हो गया नया सीआरआईएफ, पहले नाम था सीआरएफ, मंत्रालय था भूतल परिवहन मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, अब इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पहले खर्च होता सड़क बनाने में केवल, अब खर्च हो सड़क, जलमार्ग या अन्य इंफ्रा बनाने में। तो नाम बदला है, काम बदला है, पूछ सकता है आपसे, सीआरआईएफ याद रख पाएंगे हम लोग यहाँ पर दोस्त? नहीं, पेट्रोल डीजल शामिल नहीं है जीएसटी में, तो यहाँ नहीं होगा, वो एनवायरनमेंट की बात करते हैं हम लोग, स्वच्छ भारत सेस जो होता है वो अलग टॉपिक है, वो गंगा को साफ करने का, तो जो सर्विस टैक्स का पार्ट था वो अलग मिल गया, वो अलग चीज़ है, ये केवल इसका पार्ट है भाई, ये बात क्योंकि ये शामिल नहीं हुआ अभी तक आपका जीएसटी में भाई। दोस्त बात भरी करने पड़े हम लोग यहाँ से, तो अब देखते हैं वाटरवे बनाने हैं आपको, अब आपको रेलवे इंफ्रा बनाना है, आपको सोशल इंफ्रा खड़ा करना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने हैं आपको, यानी कोई भी इंफ्रा खड़ा करना है, ऐसे सड़क बनती थी इस फंड से, अब कोई भी इंफ्रा खड़ा करना है, मदद करेगा आपका ये फंड यहाँ पर। तो नाम रखेंगे सीआरआईएफ फंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे आपके साथ, नेक्स्ट टॉपिक है एसटीए वन, याद है लिखवा चुका हूँ एसटीए वन आपको मैं, पीछे बता दी कि समझता है हमारा एसटीए वन, अमेरिका के साथ दर्जा दिया अमेरिका ने एसटीए वन का, लिखवाया था आपको अमेरिका के संबंधों में, ये एसटीए वन का दर्जा और गैर नाटो देशों का दर्जा दिया गया भारत को, हम ये कर चुके हैं, एसटीए वन का दर्जा दिया गया, एसटीए वन स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन का दर्जा दिया गया भारत को यहाँ पर, एसटीए वन का दर्जा दिया गया, अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेने भारत को आसानी होगी। फरवरी या मार्च के महीने में मैंने कराया था अमेरिका का संबंध आपको पूरे, उसमें मिल जाएगा उस क्लास में आपको, आगे बढ़ेंगे आपके साथ। एसटीए वन का दर्जा दिया अमेरिका ने, इससे अमेरिका से तकनीक लेना आसान होगा भारत के लिए, एसटीए वन स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन वन का दर्जा दिया गया है भारत को, आगे बढ़ेंगे प्लीज। ये थोड़ा काम किया है, सुन लीजिए, ऑनलाइन लिखेंगे रहा फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम, सेकंड लास्ट पैराग्राफ नीचे लाइन देखेंगे आप, तो लास्ट टाइम लिखा है फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम, फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम। फ्लैश फ्लड एकाएक बाड़ी पानी बरसना, या कहते हम लोग बादल फटना भाषा में बोल लीजिए, तो बादल फटना या फ्लैश फ्लड बोल लीजिए एक प्रकार से, तो बड़ा चिंता बन गई है। सुनिए थोड़ा ध्यान से इस खबर को, रहा फ्लैश फ्लड का अनुमान लगाना बड़ा कठिन काम होता है कि कब बाढ़ आ जाए, कब बादल फट जाए, वी कांट से, लेकिन अमेरिका के पास एक प्रेडिक्शन मॉडल है जो बता पाता है काफ़ी हद तक कि भैया फ्लैश फ्लड आ सकती है। अमेरिका ने तैयार किया डिज़ाइन अपने यहाँ पर, अमेरिका ने दे दिया इसको अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन को, WMO, अमेरिका ने दिया इसको किसे, WMO को, WMO नाम दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, विश्व मौसम संगठन को दिया कि मॉडल आप लीजिए और दुनिया भर में जो आपदाएँ आती हैं उन देशों को दीजिए, इससे वो लोग आपदाओं को रोक सकते हैं। यहाँ पर तकनीक तैयार की अमेरिका ने मॉडल की, दिया WMO को कल्याण के लिए, WMO ने दिया है भारत सरकार को कि आप इसको लगाइए अपने यहाँ पर और बाकी लोग जो आपके आसपास देश हैं उनको वॉर करना चालू कीजिए, यानी कि WMO ने हमें हैंडओवर कर दिया है से IMD को कि आप लगाइए अनुमान फ्लैश फ्लड का और बताइए आसपास के देशों को फ्लैश फ्लड आ सकती है कि नहीं आ सकती है। बड़ी जिम्मेदारी बात को मिल गई है यहाँ पर, WMO जो मॉडल तैयार किया था अमेरिका ने, नाम क्या है इस मॉडल का, फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम, जुड़ेगा ये मॉडल अमेरिका ने तैयार किया है, फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम अमेरिका ने तैयार किया है, अमेरिका ने तैयार किया है ये एक बादल फटने का पूर्वानुमान कर सकता है, फ्लैश फ्लड का पूर्वानुमान कर सकता है, फ्लैश फ्लड का पूर्वानुमान कर सकता है। अमेरिका ने मॉडल बनाकर WMO को दिया है, अमेरिका ने मॉडल बनाकर WMO को, WMO विश्व मौसम संगठन को दिया है,
अमेरिका ने मॉडल बनाकर WMO को दिया है। WMO ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD को दिया है और ये मॉडल भारत को दिया गया है। हमारे आसपास जो देश है, चाहे वो थाईलैंड हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, इनके लिए वार्निंग हम जारी कर सकेंगे। एटलीस्ट कस्टमाइज करेगा इंडिया अपने एरिया के लिए इसको, जिससे इस एरिया में आने वाले फ्लैश फ्लड पर हम अवेयर कर सके पड़ोसी राष्ट्रों को। भाई ये बात, ये फ्लैश फ्लड एकाएक बारिश हो जाना, बहुत कम से बहुत बारिश हो जाना, शॉर्ट ऑफ बादल फटना बोलते हैं भाषा में इसको हम लोग, कुछ ही मिनटों कुछ ही घंटों में एकाएक बारिश हो जाना बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती। अर्बन फ्लड हो जाती है इससे, कई बार पहाड़ों पर फ्लड आ जाती है, बहुत मारे जाते हैं इससे, तो घटना रुक पाए हम लोग। हाँ, हैवी रेनफॉल होता है, ड्रॉप साइज भी लिमिटेड से ऊपर होता है, 10 cm ऊपर होते हैं इनके ड्रॉप साइज, लेकिन ये एक सडनली रेनफॉल है, कुछ ड्यूरेशन होता है, इतने टाइम में 200 cm ऊपर रेनफॉल हो जाता है, तो यूज कर लेते हैं उसको। बोला कि मिंक वेल लिखिएगा, ये मिंक वेल शब्द है, मिंक, मिंक वेल कहते हैं इसको हम लोग, मिंक वेल। ये शिकार होता था बड़े स्केल पर इसका, आइसलैंड ने बंद कर दिया शिकार करना, फाइनली आइसलैंड ने कंप्लीटली शट डाउन कर दी अपनी वेल शिकार इंडस्ट्री को, तो आइसलैंड ने पूरी तरह बंद कर दिया शिकार करना वेल मछली का, फाइनली मिंक वेल का शिकार वो करते थे अब तक, उसको बंद कर दिया है उन्होंने, तो कंप्लीट शट डाउन कर दिया है वेल कमीशन की सलाह को मानते हुए। मुझे लग रहा है वेल कमीशन थोड़ा चर्चा में बार बार रहा है इस साल, पूछ सकता है क्वेश्चन, वेल कमीशन कब का, 86 का है, वेल कमीशन 86 का है, भारत मेंबर है वेल कमीशन का, और जापान अभी अलग हो गया कुछ दिनों पहले, इससे आपको याद होगा, और अब आइसलैंड में आ गया है, आइसलैंड कहना है कि हम लोग रोकते हैं वेल का शिकार, कंप्लीट बैन कर दिया है आइसलैंड ने वेल के शिकार को। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से, प्लीज। वेल का शिकार होता था, बंद कर दिया, मिंक वेल का नाम याद रखेंगे, तो शिकार करता था। ओके, आगे बढ़ेंगे आपके साथ, नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, नेसमैस, NASAMS2, नासा मैस या NASAMS2, NASA, नासा, MS2, नासा से मतलब नहीं हालांकि कोई इसका, NASAMS2, सुन लीजिए, ये अमेरिका की एक बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम का नाम है, जैसे हम लोग बना रहे हैं अपना खुद का पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस बना रहे हैं, अपना खुद का हम लोग बना रहे हैं अपना एक अर्ली वार्निंग सिस्टम, उसी प्रकार का अमेरिका सिस्टम बना है ये, नासा एमएस लिख लीजिएगा, ये अमेरिका का एक मिसाइल डिफेंस शील्ड प्रोग्राम है, मिसाइल शील्ड प्रोग्राम है, अमेरिका का मिसाइल शील्ड कार्यक्रम है, मिसाइल शील्ड कार्यक्रम है, कार्यक्रम है, भारत खरीदने का प्लान या योजना बना है, भारत इसे बाय करने के प्लान कर रहा है नासा एमएस या NASAMS2 को, अमेरिका का प्लान, अमेरिका याद रखिए सिस्टम और अमेरिका के पास, क्वेश्चन पूछ चुका है उस पर, क्या नाम है उसका, अमेरिका का एक शील्ड प्रोग्राम और है, थर्ड, अमेरिका का थर्ड है, एक और अमेरिका के पास का नाम NS2 है, थर्ड का एक प्रकार मान लीजिए, प्रकार से ये इंडिया खरीद रहा है अपना खुद का एस्पॉन्डेंट खरीद रहे हैं हम लोग कुछ दिनों पहले, और अपना खुद का बना रहे हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम, तो खुद का बना रहे हैं, ये भी हमारे पास आने वाला है और ये भी लेने वाले हैं अमेरिका से, प्लान कर रहे हैं लेने का, तैयार नहीं हुआ है अभी तक, तो थर्ड अमेरिका का सिस्टम ऑलरेडी है, ये भी अमेरिका का है नासा मैस, कुछ कह रहे हैं आप, वी शोड भी एक हम तो ले रहे हैं अमेरिका से, अलग बात है, ये पूरा है, पूरा कंप्लीट प्रणाली अपने अपना बना रहे हैं, एस्पॉन्डर भी ले रहे हैं हम लोग ना, मल्टीपल होना चाहिए, अलग प्रकार के होना चाहिए, कई उसका दुश्मन के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो न ट्रैक कर पाए हम लोग, हमारे रडार में ना आ पाए, तो मल्टीपल लेयरिंग होनी चाहिए अपने ऊपर, अमेरिका तो बताया रखता है अपने पास, थर्ड भी हो ये भी, अभी फाइनलाइज नहीं किया है दोस्तों, अभी कुछ फाइनलाइज नहीं किया है, दोनों का काउंटर मंगाए हम लोग, इसराइल भी लाइन में है, वी शोड मिसाइल हम ले सकते हैं अमेरिका से भी, इसराइल से भी, अभी फाइनलाइज नहीं किया है उसको। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपके साथ, थर्ड THAAD, ET 2016 में आया था क्वेश्चन, थर्ड क्या है, THAAD अमेरिका का एक शील्ड सिस्टम है, वन लाइन लिखिएगा, स्मर्च क्या है, ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है इंडिया का, रशिया से लिया हुआ, पिनाका स्मर्च नाम आते हैं ये, स्मर्च भारत का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो हमने लिया है रशिया से, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL है, पिनाका एक हमारे पास ऑलरेडी है, स्मर्च रशिया का होगा ये,
जो लगभग 36 सेकंड के अंदर 12 विकेट डाल सकता है ये, इनकी रेंज 90 किलोमीटर तक हो जाती है कई बार। ओ भाई वाह, स्मार्ट, एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एक मिनट से भी कम समय में 12 रॉकेट डाल सकता है ये 90 किलोमीटर रेंज के। MBR है, बोला लिखेंगे पिंक बॉलवर्म ऑन कॉटन, कपास पे लगने वाला पिंक बॉलवर्म का कीड़ा। नेक्स्ट हेडिंग, कपास पर लगने वाला पिंक बॉलवर्म का कीड़ा, या पिंक बॉलवर्म, कपास पर लगने वाला पिंक बॉलवर्म, याद रखिए कीड़ा खराब करता है कपास को। कपास पे लगता है, एक होता है वाइट बॉलवर्म, एक होता है पिंक बॉलवर्म, नया आ गया है पिंक बॉलवर्म, जिसको बीटी कॉटन नहीं निपट पा रहा है, जिससे बीटी कॉटन किल नहीं कर पा रहा है इसको। नॉर्मली वाइट वाइट बॉलवर्म जो होता है उससे बीटी कॉटन निपटा देता है, उससे बीटी कॉटन नहीं पनपने देता, लेकिन बीटी कॉटन होने के बाद भी ये पनप रहा है इस देश के अंदर, ये नई समस्या आ गई है बीटी कॉटन के बीजों में। लिख लीजिएगा, बीटी कॉटन इस वॉर्म के प्रति रजिस्टर्ड नहीं है, बीटी कॉटन इस कीड़े के प्रति रजिस्टर्ड नहीं है, इस कीड़े के प्रति प्रतिरोधी नहीं है, इस कीड़े के प्रति प्रतिरोधी नहीं है। आगे बढ़ेंगे आपके साथ, पिंक बॉलवर्म टेस्ट की बात भी कर चुका हूं, टेस्ट मिशन नासा का कैप्रा के बाद भेजा हमने, टेस्ट की बात हो गई। गाओफेन 11 लिख लीजिए वन लाइन में, गाओफेन 11 चीन का एक सैटेलाइट है, गाओफेन 11, गाओफेन 11 चीन का सैटेलाइट है ये, लैंड सर्वे करने का आएगा, भूमि का सर्वेक्षण करने का आएगा ये, लैंड सर्वे का आएगा ये, गाओफेन चीन का सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए प्रकार का दूर संवेदी उपग्रह है ये, जो लैंड सर्वे का आएगा, लैंड सर्वे भूमि सर्वेक्षण करने का आएगा। बेसिकली चीन जो बना रहा है BRI प्रोजेक्ट अपना, जो उसको मदद करेगा ये, कहाँ रेल बन सकती है, कहाँ ब्रिज बन सकता है, कहाँ पर सड़क बन सकती है, तो मदद करेगा समझाने में, तो पार्ट ऑफ BRI, चाइना के BRI इनिशिएटिव को मदद करेगा गाओफेन 11, गाओफेन 11 मदद करेगा चीन के BRI प्रोजेक्ट। आगे बढ़ेंगे आपके साथ, बॉम्बाली वन लाइन, बॉम्बाली इबोला वायरस का ही एक प्रकार है ये, बॉम्बाली बॉम्बाली इबोला वायरस का एक प्रकार है ये, जो देखा गया सियरा लियोन में, अफ्रीका के सियरा लियोन में देखा गया बॉम्बाली नाम का ये वायरस, जो कि प्रकार है एक प्रकार से इबोला वायरस का ही। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, परिवेश वन लाइन लिखिए, परिवेश सिंगल विंडो पोर्टल फॉर एनवायरमेंट क्लियरेंस, परिवेश शॉर्ट में किया, परिवेश सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर एनवायरमेंट, सिंगल विंडो पोर्टल फॉर एनवायरमेंट क्लियरेंस एंड पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए सिंगल विंडो पोर्टल है, पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए सिंगल विंडो पोर्टल है, पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए सिंगल विंडो पोर्टल है, परिवेश मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने तैयार किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट तैयार किया है पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट तैयार किया है पोर्टल आपके लिए ये। मूव करेंगे परिवेश से बाहर आएंगे, NRI को प्रॉक्सी वोटिंग अधिकार दिया गया, संसद में बिल पास किया गया, देखेंगे संसद में बिल पास करके NRI को प्रॉक्सी वोटिंग अधिकार दिया गया, संसद बिल पास करके NRI को प्रॉक्सी वोटिंग अधिकार दिया गया, प्रॉक्सी वोटिंग मतलब उनके स्थान पर कोई अन्य वोटिंग कर सकता है, यहाँ पर उनके हस्बैंड या वाइफ यहाँ जो हैं वोट कर सकते हैं उनके स्थान पर। प्रॉक्सी वोटिंग अधिकार दिया गया है ये NRI को देश में, अब ये ओके। ट्रिपल तलाक बिल अमेंडमेंट चर्चा में रहा अगस्त महीने में, सरकार ने अमेंडमेंट किया ट्रिपल तलाक बिल में, उसके बाद ऑर्डिनेंस लेकर आई सरकार, अभी भी ऑर्डिनेंस चल रहा है राइट नाउ, जानते होंगे आप अभी ऑर्डिनेंस के टाइम चल रहा है अभी। तो ट्रिपल तलाक बिल में प्रोविजन सुन लीजिए क्या है, की प्रोविजन ट्रिपल तलाक बिल को लेकर, मैं यहाँ पर लैप्स नहीं, ऑर्डिनेंस शब्द है,
बिल आप ऑर्डिनेंस देखते हैं, नई सरकार कैसे काम करती है, अभी ऑर्डिनेंस चल रहा है ये। याद रखिएगा जो पुराना बिल लाया गया था, पहलिया बिल लाया गया था, उसमें कहा गया था ये जो केस मामला होगा तलाक, ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का, उसमें एक साथ ट्रिपल तलाक बोलता है कोई अपराध माना जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, भी है अपराध ये, यानी कि कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक लिख के SMS के जरिए देते हैं या बोल के देते हैं या व्हाट्सएप पे दे रहे हैं आप ये ट्रिपल तलाक, तो भी गैर कानूनी होगा ये, पहली बात तो वहाँ भी था, नए बिल में भी है ये। पुराने बिल में कहा गया था कि महिला जो पीड़िता है, जो विक्टिम है इस पूरे मामले की, वो उसके परिवार को मेंबर या कोई अन्य व्यक्ति कंप्लेंट कर सकता है उसके बिहाफ में, कोई ब्लड रिलेटिव या कोई फ्रेंड उसका कंप्लेंट कर सकता है इस बिहाफ में। लेकिन नया बिल कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा, अपराध केवल तभी माना जाएगा जब महिला या उसका ब्लड रिलेटिव कंप्लेंट करता है, यानी फ्रेंड को बाहर कर दिया गया है, किसी अननोन पर्सन को कंप्लेंट से बाहर कर दिया गया है, यानी महिला शिकायत करे या उसका कोई मुझे कहना चाहिए उसे रक्त से जुड़ा हुआ कोई, इसका देखा जाए यहाँ पर विवाहित महिला या उससे रक्त से जुड़ा हुआ व्यक्ति, ब्लड रिलेटिव कोई उसका, कोई कंप्लेंट कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, पहले था नॉन बेलेबल, अगर होगा तो सीधे जेल जाना पड़ेगा, यहाँ पर बेलेबल तो नहीं किया गया, लेकिन मजिस्ट्रेट बेल सकता है जो हेयरिंग कर रहा है केस, किसको लगता है कि महिला को सुनने के बाद कि बेल देना ठीक है या इस हस्बैंड को इसके बेल सकता है, यानी नॉन बेलेबल नहीं रह गया है, मजिस्ट्रेट बेल देगा सुनवाई के बाद, सेकंड पॉइंट सुनेगा ध्यान से। और तीसरा, पहले था कि ये नॉन कॉनिजेबल था, ये अपने आप में सजा होगी होगी हस्बैंड को, लेकिन अब है कि महिला अगर कहती है, पीड़िता कहती है, विक्टिम कहती है नहीं माफ़ कर दिया जाए इसको और छोड़ दिया जाए, तो शम नहीं है, मामला खत्म हो जाएगा। तो मजिस्ट्रेट महिला के अनुरोध पर मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध को शमनीय खत्म माना सकता है, इसका मिटिगेट माना सकते हैं, तो मामला खत्म हो जाएगा यदि महिला मानती है कि ठीक है परिवार की बात जाने दीजिए इसको, छोड़ रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक है, तो दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं मामला खत्म करना है हमको, तो मामला खत्म हो जाएगा, शमनीय कंपाउंडिंग का परिचय, दोनों पक्ष कानून कार्रवाई को रोकने के लिए सहमत हो गए हैं, तो जेल नहीं जाना पड़ेगा हस्बैंड को उस केस में और मामला खत्म हो जाएगा। तो भाई ये बात हमारी यहाँ पर ये, लेकिन नियम होंगे मजिस्ट्रेट तय करेगा और कोई होता नहीं कर सकता, तो शमनीय है लेकिन मजिस्ट्रेट तय करेगा। और तीसरा, जो हस्बैंड होगा 3 साल की सजा मिलेगी उसको, जी हाँ अभी भी मिलेगी 3 साल की सजा उसको, और उसे फाइन देना पड़ेगा वाइफ को, उसे एक जुर्माना देना पड़ेगा वाइफ को अपनी। पहले कहा गया था तो बच्चे हैं महिला के पास रहेंगे, उसके भत्ता देगा हस्बैंड उसका, अरे वो लागू रहेगा, यानी कि जुर्माना लगेगा हस्बैंड के ऊपर, जेल जाना पड़ेगा उसको, बेल हो सकती है मजिस्ट्रेट चाहे तो, मामला खत्म हो सकता है उसकी वाइफ चाहे तो, लेकिन भत्ता देना पड़ेगा बच्चों के रहने के लिए बीवी के साथ। तो भाई ये बात, यहाँ पर 3-4 पॉइंट बदले गए, पहले जो कड़ा कानून बनाया गया था ये बाद में कभी सॉफ्ट कर दिया गया, अभी राइट नाउ जो अभी जो ऑर्डिनेंस है वो यही चल रहा है, यानी बेलेबल होता है एक प्रकार से, कोई कहता है बेलेबल होता है बेल आफ्टर मजिस्ट्रेट हियरिंग, जैसे मैं कहूँगा मजिस्ट्रेट सुनवाई का बेल हो सकती है, नॉन बेलेबल कहना गलत होगा अपने आप, तलाक मान्य तो होगा ही नहीं, वो तो खत्म ही हो गया, ऐसा कोई भी इंस्टेंट तलाक मान्य होगा ही नहीं, ये कहा जाएगा वाइफ का हस्बैंड जेल में, ये कहा जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा पर्सन जेल में, हस्बैंड जेल में माना जाएगा। तो हस्बैंड ने कहा है 3 तलाक तो अपराध तो कर दिया आपने, भले अपराध माना गया नहीं माना गया, अपराध कर दिया आपको जेल हो गया, तो तलाक तो नहीं हुआ अलग बात है, आपको जेल भी हो गया। आगे बढ़े दोस्त आपके साथ, तो याद कि ऑर्डिनेंस चल रहा है इस समय, ये चर्चा होती रहेगी इस ऑर्डिनेंस पर, आगे बढ़ेंगे वन लाइन, सॉरी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, वन लाइन लिखेंगे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, तैयार कराया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स तैयार कराया है हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स ने, हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स ने, पहले स्थान पर है पुणे, अंतिम स्थान पर है पटना, 111 शहरों का ये देश के इंडेक्स है, तैयार कराया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, टॉप पर है पुणे, अंतिम है पटना, 111 शहर शामिल किए गए हैं, और अंतिम स्थान पर है पटना शहर। ये रैंकिंग जो तैयार की गई है 4 पैरामीटर भी यूज किए गए हैं, 4 पैरामीटर क्या क्या है इसके लिए, गवर्नेंस कैसी है वहाँ की, सामाजिक मानक कैसे हैं, आर्थिक मानक कैसे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो 4 पैमाने तय किए गए हैं इस इंडेक्स के लिए, शहरों को रैंकिंग दी गई 4 इंडेक्स पर, शहरों को रैंकिंग दी गई है 4 इंडेक्स के ऊपर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे आपके साथ, फिजिकल इंफ्रा, आर्थिक, सामाजिक और गवर्नेंस का स्तर क्या है चारों में, यहाँ पर
इन शहरों में, पुणे टॉप पर, अंतिम है पटना। मंडोवी नदी बात कर चुके हम लोग, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका में ट्रिब्यून बन गया तीन राज्यों के लिए, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र तीन राज्य इन्वॉल्व हैं उस विवाद में, बना दिया गया है ट्रिब्यूनल्स के लिए। मूव याद रखिए, वन लाइन, नीति आयोग का समिट था देश में ई व्हीकल, देश में एफिशिएंट व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए, मूव ग्लोबल मोबिलिटी समिट, नीति आयोग आयोजित किया था इस बार देश में ये, मूव ग्लोबल मोबिलिटी समिट, देश में ई व्हीकल्स को, ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए कॉन्सेप्ट था नीति आयोग का, ये एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन कराया था, मूव या ग्लोबल मोबिलिटी समिट, देश में ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग का इंसेंटिव था ये। बिल्कुल लिखा रहा हूँ, लिखते जाएगा साथ में मेरे साथ। विद्यालक्ष्मी पोर्टल, मतलब लिखेंगे विद्यालक्ष्मी पोर्टल, विद्यालक्ष्मी पोर्टल, विद्यालक्ष्मी पोर्टल फॉर एजुकेशन लोन है ये, इसका पीपीटी नहीं होगा, लिखते मैं बोलते आ रहा हूँ आपको, विद्यालक्ष्मी पोर्टल फॉर एजुकेशन लोन, तीन संस्थाएं मिलकर तैयार किया है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, विद्यालक्ष्मी पोर्टल की बात मैं कर रहा हूँ, तीन संस्थाएं मिलकर तैयार कर रही हैं, वित्त मंत्रालय, एचआरडी मंत्रालय और आईबीए, इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, एचआरडी मंत्रालय और आईबीए यानी कि इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन ने मिलकर तैयार किया है, जहां एजुकेशन लोन लेना आसान होगा काफी, एजुकेशन लोन लेना आसान किया गया है विद्या पोर्टल। आगे बढ़ेंगे आपके साथ, आईबीए इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन, याद होगा पढ़ाया था आपको मैंने, कहा नाम एनपीसीआई, एनपीसीआई जो मालिक है, सी मालिक एनपीसीआई इसका। नेक्स्ट हमारी बात कर रहे हैं हम लोग, हेड बैंगेरा टॉपिक रहेगा हमारे पास, भूमि राशि पोर्टल लिखेंगे, भूमि राशि पोर्टल लिखेंगे, भूमि राशि पोर्टल, भूमि राशि पोर्टल की बात करें, क्या है भूमि राशि पोर्टल बता दूं आपको, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट या भूतल परिवहन मंत्रालय है उसका इनिशिएटिव है, सड़कों के लिए लैंड एक्विजिशन को आसान करना, सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण को आसान करने का एक तरीका है भूमि राशि पोर्टल। फिर सुन लीजिए, सड़क परिवहन मंत्रालय का इनिशिएटिव है, सड़क परिवहन मंत्रालय का इनिशिएटिव है, उद्देश्य है सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आसान करना, सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान करना भूमि राशि पोर्टल, सड़क निर्माण के लिए भूमि राशि या भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान करना। ओके, ट्रिपल तलाक बिल की बात हो गई आपके साथ, ऑक्सीटोसिन की बात मैं कर चुका हूं उस दिन आपके साथ, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, विद्यालक्ष्मी पोर्टल, लेटर एंट्री की बात हो गई आपके साथ, ये बात हेड मांगे, ए आई बी डी एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट ए आई बी डी यूनेस्को के अधीन काम करता है ये, एस्टैब्लिश 1977, यूनेस्को के अधीन है, 1977 में तैयार किया गया है, यूनेस्को के अधीन है, 1977 में तैयार किया गया है इसे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास को बढ़ावा देने में सहयोग करता है, टीवी रेडियो को बढ़ावा देने में सहयोग करता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रमोशन में मदद करता है ये, डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बढ़ावा देने में सहयोग करता है।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बढ़ावा देने में सहयोग करता है। याद रखिएगा, काम करता है यूनेस्को के अधीन, लेकिन इसको बनाने में सहयोग किया कई संस्थाओं ने, इसको मदद की है ITU, UNDP, यूनेस्को, कई पार्टनर कंट्री हैं, कई सहयोगी हैं, लिखेंगे इसे बनाने में ITU यानी टेलीकॉम यूनियन, UNDP और यूनेस्को का सहयोग है। ITU, UNDP और यूनेस्को का सहयोग मिला है इसको बनाने में, संगठन बनाने में। याद रखिए चर्चा में क्यों आया था ये, क्योंकि पहली बार AIBD के प्रेसिडेंट के रूप में चयन हुआ है हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ रेडियो या AIR के, जो आकाशवाणी के चेयरमैन हैं इंडिया के, TG हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया है इस संस्था का। तो बड़ा काम है अपने आप में ये। याद रखिएगा आकाशवाणी के महानिदेशक को बनाया गया है AIBD का अध्यक्ष, चर्चा में रहा संगठन ये AIBD। तो AIBD के फयाज शरार साहब हमारे, उनको बनाया गया था इसका हेड, AIBD का हेड बनाया गया है, वो हैं से DGIR यानी कि आकाशवाणी के वो डायरेक्टर जनरल हैं, इस समय महानिदेशक हैं, उन्हें बनाया गया AIBD का अध्यक्ष। AIBD यूनेस्को, UNDP, ITU का संगठन है, इस्टेब्लिश 1977, काम करता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बढ़ावा देने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि रेडियो और TV। इस खबर को हम लोग काम का है AIBD का। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से। भूमि राशि बताया मैंने आपको यहाँ पर, भूमि राशि के अलावा याद रखिएगा एक चर्चा होती है PFMS पोर्टल की, सुन लीजिए यहाँ पर, ये नाम सुना है कभी आपने PFMS? ये नाम सुना होना चाहिए आपको, बहुत काम का नाम है ये PFMS, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। याद रखिएगा भारत सरकार ने करप्शन खत्म करने के लिए ऊपर का पैसा चलता है जो, वो नीचे कहाँ कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ रुक गया है, कहाँ तक पैसा पहुँचा है, सो ट्रैक करने के बनाया है ये पोर्टल PFMS पोर्टल, तो ट्रैक ऑफ इंडियन करेंसी कहना चाहिए मुझे, जो सरकारी सहायता है कहाँ तक पहुँची है, लिख लीजिए ऑनलाइन में PFMS पोर्टल, PFMS पोर्टल, PFMS पोर्टल, सरकारी राशि को या सरकारी सहायता को ट्रैक करने के लिए, ट्रैक करने के लिए पोर्टल तैयार किया गया है, सरकारी राशि को ट्रैक करने के लिए ये पोर्टल तैयार किया गया है, ठीक है। तो ये लिंक कर दिया गया भूमि राशि को इसके साथ, तो भूमि राशि में जमीन ली, आधा पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मुआवजा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसका कीमत पहुंच गई नहीं पहुंची, ट्रैक कर पाएंगे आप, जमीन हैंड ओवर कर दी किसान ने आपको अपनी या व्यक्ति ने आपको, तो मुआवजा आपने दिया कि नहीं दिया, ट्रैक करना जरूरी है उसको। तो जोड़ दिया गया PFMS को भूमि राशि के साथ, तो भाई बात हमारी, तो PFMS को लिंक कर दिया गया भूमि राशि के साथ, जिससे आप ट्रैक कर पाए मुआवजे को, पहुंचा या नहीं पहुंचा उस व्यक्ति तक। अगर लिखेंगे स्टार्टअप एकेडमी अलायंस प्रोग्राम, SAP प्रोग्राम, स्टार्टअप एकेडमी अलायंस प्रोग्राम। अब ऑनलाइन सुन लीजिए, ये स्टार्टअप पॉलिसी चल रही है देश से, चालू किया गया प्रोग्राम है ये, इसका उद्देश्य है स्टार्टअप देने के लिए, स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए एकेडमिशन सामने आए स्थापना करने में। तो भारत सरकार का मिशन है ये अपने आप में, जिसके तहत एकेडमिक्स को जोड़ा जाएगा, एक्सपर्ट को जोड़ा जाएगा, सलाह दे सके स्टार्टअप को वो आगे बढ़ने के लिए। जोड़ लीजिएगा इस प्रोग्राम के तहत मेंटोरशिप या स्टार्टअप को एक्सपर्ट से सलाह दिलवाई जाएगी, तो मेंटोरशिप मिलेगा, यूनिक मेंटोरशिप अपॉर्चुनिटी बिटवीन एकेडमिक स्कॉलर्स एंड स्टार्टअप्स। तो स्कॉलर्स हैं एकेडमिक, जो एक्सपर्ट हैं एकेडमिक, उनको वो सलाह देंगे स्टार्टअप को कि कैसे अपना बिजनेस स्थापित करें, कैसे आगे बढ़े बिजनेस में। तो भाई ये बात, अल्टीमेट गोल क्या है, साइंटिफिक रिसर्च जो हो रही है कॉलेजों लैब में हमारे यहाँ, पहुँच पाए स्टार्टअप तक, पहुँच पाए नई कंपनियों तक, तो लैब टू लैंड की जो दूरी है वो खत्म करना प्रोग्राम है हमारा। जोड़ लीजिएगा इस कार्यक्रम को उद्देश्य लैब टू लैंड रिसर्च में, लैब टू लैंड दूरी को समाप्त करना है, रिसर्च में लैब टू लैंड दूरी को समाप्त करना है, जो लैब में रिसर्च हो रही है, स्कॉलर जो रिसर्च कर रहे हैं वो पहुंच पाए स्टार्टअप तक, वो जोड़ पाए स्टार्टअप उसके साथ, अलायंस प्रोग्राम। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां से,
अगला है ई पशुधन हाट योजना, ई पशुधन हाट योजना, सुना है नाम इसका, ई पशुधन हाट योजना क्या है ये, ई पशुधन हाट योजना। पशुधन हाट योजना की बात मैं करता हूँ आपके साथ, कौन सा बहुत सिंपल सा है, कृषि मंत्रालय का इनिशिएटिव है जिसके जरिए आप एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर रहे हैं जहां अच्छे पशुओं के प्रोडक्ट को बेचा सकेगा। ई पशुधन हाट योजना इसके तहत कृषि मंत्रालय का पोर्टल है जहां अच्छे पशुओं, जो अच्छे दुधारू पशु हैं, उनके जमे हुए जर्म प्लाज्मा को, उनके स्पर्म्स को बेचा सकेगा ऑनलाइन ब्रीडिंग के लिए, ब्रीडिंग सेंटर के जरिए। लिखेंगे रहा, इस पोर्टल के जरिए अच्छे मिल्क एनिमल्स, अच्छे दुधारू पशुओं के जर्म प्लाज्मा को बेचा जा सकेगा, जर्म प्लाज्मा को बेचा जा सकेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हमसे, ई पशुधन हाट पोर्टल। निर्यात मित्र लाइन सुन लीजिएगा, एक्सपोर्टर को सहायता निगम बनाई है सरकार निर्यात मित्र योजना, निर्यात मित्र हिंदी में लिखेंगे निर्यात मित्र योजना। निर्यात मित्र कॉन्सेप्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, देश में निर्यातकों को काउंसलिंग देने के लिए, सलाह देने के लिए। निर्यात मित्र योजना कॉमर्स मिनिस्ट्री की योजना है, देश में निर्यातकों को सहायता देने के लिए, उनको एडवाइस देने के लिए निर्यात मित्र योजना। नेक्स्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना, कहाँ की है ये, यूपी सरकार ने लॉन्च किया है इसको, जहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ावा दिया जाएगा, जो जिला इसके लिए जाना जाता है बढ़ावा दिया जाएगा। लिखिए वन, एक जिला एक उत्पाद योजना यूपी सरकार की योजना है, यूपी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, उत्तर प्रदेश सरकार का इनिशिएटिव है। जिला अनुसार उत्पादकता को बढ़ावा देना, कोई चमड़ा उद्योग के लिए है, कोई कपड़ा उद्योग के लिए है, कोई ताला उद्योग के लिए है, कोई कांच उद्योग के लिए है, तो जैसे जिले पहचाने जाएं उनके अनुसार उनको मदद की जाए लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने में। तो एक जिला एक उत्पाद योजना यूपी सरकार की योजना है जिसके तहत मैन्युफैक्चरर को, लोकल मैन्युफैक्चरर को सहायता दी जाएगी, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत। ₹25,000 की सहायता देगी यहाँ पर हथकरघा उद्योग के लिए, आदि उद्योग के लिए 5 सालों तक, तो अगले 5 सालों तक सहायता देगी ₹25,000 की छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर को, जिससे वो इंप्लीमेंट कर सकें एक जिला एक उत्पाद स्कीम को। उपाय बात यहाँ पर कन्नौज है अपने इत्र के लिए फेमस है, आगरा अपने फेमस है लेदर के लिए, या बाकी जो इंडस्ट्री हैं अलग इलाकों की वो बढ़ सके। आगे बढ़ेंगे एक जिला उत्पाद से, CCTNS योजना सुना ही होगा आपने इसके बारे में। CCTNS एक नेटवर्क बन रहा है गृह मंत्रालय के अधीन, CCTNS जिसके जरिए देश के सभी पुलिस जिलों को, पुलिस मुख्यालयों को, पुलिस स्टेशन को आपस में लिंक किया जाएगा, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, CCTNS पुरानी बात हो गई है काफी, ये क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स का ये इनिशिएटिव है, गृह मंत्रालय का इनिशिएटिव है, जिसके तहत देश के सभी पुलिस स्टेशन को आपस में लिंक किया जा रहा है, देश के सभी पुलिस स्टेशन को आपस में लिंक किया जा रहा है। लिंक किया जा रहा है आगे बढ़ेंगे आपके साथ प्लीज। अगला है SC ST प्रमोशन में आरक्षण, सुन लीजिए ये डिबेट रही काफी बड़े स्केल पर। नागराज केस का नाम सुना ही होगा आपने, पढ़ा होगा पीटी ऑरिटी में अपनी, नागराज केस 2006 का प्रमोशन, रिजर्वेशन प्रमोशन की बात आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 मानक तय किए थे उस समय कि कब देंगे आरक्षण, जब वो जो समूह को आरक्षण दे रहे हैं वो बैकवर्ड हो, उसका पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन ना होता हो सरकार में या नौकरियों में, और तीसरा इससे मेरिट पे कोई असर ना पड़ता हो। तो 3 बातें कही थी 2006 में नागराज केस में, 3 बातें कही थी नागराज केस में। पहला, फिर सुन लीजिए, उस वर्ग को आप जिसको आरक्षण दे रहे हैं उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो, प्रूव्ड बैकवर्ड हो, और तीसरा उससे मेरिट पर कोई असर ना पड़ता हो। 3 पॉइंट कहे गए थे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में, लेकिन कोर्ट ने उसमें से पॉइंट आ दिया है अब
उसमें जो कहा था प्रूफ पैक करना पड़ेगा बैकवर्ड है या नहीं, तो कोर्ट ने नए फैसले में कहा है चूंकि एस सी एस टी की बात आती है तो एस सी एस टी बाई डिफॉल्ट बैकवर्ड होते ही हैं, प्रूव नहीं करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो दो क्राइटेरिया देखेंगे, क्या वो जो समूह को आप दे रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन क्या वो पर्याप्त है या नहीं, और उसके आने से मेट पर असर पड़ेगा या नहीं। कुल मिलाकर जो तीन शर्त थी दो कर दिया गया, उनको हटा दिया एक शर्त को। अब यहाँ पर ये प्रूव नहीं करना पड़ेगा सरकार को कि वो किसी वर्ग को जो आरक्षण दे रही है बैकवर्ड है या नहीं। तो मैं समझाई मुझे यहाँ पर थोड़ा जोड़ लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने नागराज केस में बनाई गई तीन शर्तों में छूट दी, बनाई गई तीन शर्तों में छूट दे दी है नागराज केस। फेमस केस है हम नागराज केस, पढ़ाओ पार्टी में लोगों ने यार, और फेमस केस है हम नागराज केस, 2006 का केस है ये, प्रमोशन रिजर्वेशन प्रमोशन में तीन शर्तों में छूट दे दी है। तो यहाँ पर नया नियम आ गया है अब कि जो एस सी एस टी समूह है वो उसे प्रूव नहीं करना होगा कि बैकवर्ड है, वो बाय डिफॉल्ट बैकवर्ड माना जाएगा। बाय डिफॉल्ट बैकवर्ड माना जाएगा, हो पाई बात हमारे दोस्त? यहाँ पर तीन कंडीशन पढ़ा होगा, पढ़ लीजिए स्पीड में। पहली कंडीशन थी बैकवर्ड प्रूव करिए, दूसरा ये दिखाइए कि उनका पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन है या नहीं, वो संख्या में है कि नहीं पर्याप्त में, और तीसरा मेरिट पर असर पड़ेगा कि नहीं इससे, जैसे कि मेरिट खराब ना हो जाए। तो तीन पॉइंट गए थे यहाँ पर नागराज केस में, मेरिट पर असर ना पड़ता हो, मेरिट 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 होती है बेसिकली, योग्यता पर असर ना पड़ता हो इसका। चलिए प्लीज स्टारी स्काई टू, ये क्या है स्टारी स्काई टू? स्टारी स्काई टू ये रहा स्टारी स्काई टू, ये चीन का एक हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, चीन का हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट स्टारी स्काई टू, चीन का एक हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट है स्टारी स्काई टू, या उसका नाम भी एक लोकल भाषा में जिंगकॉन्ग टू, जिंगकॉन्ग टू या स्टारी स्काई टू, या चीन का पहला हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट जिंगकॉन्ग टू या स्टारी स्काई टू, चीन का पहला हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट। आगे बढ़ गए दोस्तों, स्टारी स्काई टू या जिंगकॉन्ग टू चीन का पहला हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट। प्रोजेक्ट शक्ति क्या था ये? अगस्त में, अभी बात नहीं कर रहा हूँ अप्रैल मार्च वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मिशन शक्ति है वो, उसका नाम मिशन शक्ति है, जो हमने सेटेलाइट थोड़ा फोड़ा अपना ए सेट मिशन के प्रोजेक्ट शक्ति काम का है ये भी। प्रोजेक्ट शक्ति है आईआईटी मद्रास में चल रहा है प्रोजेक्ट, इसके जरिए आप एक चिप बना रहे हैं, शक्ति नाम की चिप बन रही है, चिप का नाम वैसे ये है राइस क्रीक, ये चिप बन रही है और ये चिप लगाई जाएगी आपके जीपीएस डिवाइस जो बन रहे हैं नाविक को ऑपरेट करने वाले वहाँ पर। प्रोजेक्ट शक्ति याद रखिएगा इसको वन लाइन, प्रोजेक्ट शक्ति या शक्ति नाम की चिप बनेगी इसमें, चिप का नाम हो राइस क्रीक वैसे देखेंगे। आईआईटी मद्रास में चल रहा है प्रोजेक्ट शक्ति, आईआईटी मद्रास में चल रहा है, देश में प्रोसेसिंग को बढ़ावा, देश में प्रोसेसर को बनाने के लिए, चिप निर्माण के लिए चल रहा है ये, देश में प्रोसेसर तैयार करने के लिए, और यहाँ ऐसे चिप बनाए जा रहे हैं जिनको आप नाविक नेविगेशन में प्रयोग कर सकेंगे, ऐसे चिप बनाए जा रहे हैं जिनका प्रयोग नाविक नेविगेशन में हो सकेगा। याद होगा लिखवा था हम साइंस टेक क्लास में प्रोजेक्ट शक्ति, हाँ बस। अब तक जो फोन में आते हैं जीपीएस चिप आते हैं आपके, जिससे जीपीएस ऑपरेट होता है आपके यहाँ पर, तो जीपीएस चिप के स्थान पर हम लगाएंगे इस मिशन शक्ति चिप को और नाविक से जुड़ जाएंगे सीधे हम लोग, तो नाविक हमने खुद का तैयार किया अपना नेविगेशन सिस्टम, उस जुड़ जाएंगे उससे हम लोग। तो मिशन शक्ति अलग है, प्रोजेक्ट अलग है, प्रोजेक्ट अलग है, मिशन शक्ति अलग है। मिशन शक्ति नष्ट के सेटेलाइट को प्रोजेक्ट बना रहे चिप हम लोग, तो अलग चीज़ें याद रखिएगा। या राइस क्रीक मिल जाए, राइस क्रीक उस चिप का नाम है तैयार की जा रही है राइस क्रीक। थर्ड बनेंगे इंडिया इनोवेशन सूचकांक या इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, नेक्स्ट है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कुछ नहीं है, सिंपल सा काम है। एक आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो तैयार करता है WIPO, तीन संस्थाएं मिलकर तैयार करती हैं, उसी तर्ज पर इंडिया का नीति आयोग तैयार कर रहा है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, बना लीजिएगा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स WIPO के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है, WIPO के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है
की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है, नीति आयोग बना रहा है इसे, इसे नीति आयोग आपका तैयार कर रहा है, ठीक है। और नीति आयोग को सपोर्ट करेगा बनाने में, ऑफ कोर्स हमारे डिपार्टमेंट है फेमस डीआईपीपी या नॉर्वेस्ट डीपीआईआईटी, नीति आयोग को सपोर्ट करेगा बनाने में इसको डीआईपी विभाग, नीति आयोग की मदद करेगा बनाने में इसको फेमस मंत्रालय हमारा आईपीआर देखता है जो डीपीआईआईटी विभाग, डीपीआईआईटी नाम सुना होगा आप लोगों ने, चर्चा होती रही है क्लास में, डीपीआईआईटी। तो नीति आयोग और डीपीआईआईटी बनाएंगे नोशन डेक्स, वो लिखेंगे रहा यूकी टाइट 1406 नंबर पे, यूकी टाइट यूकी टाइट क्या है ये, एक मिनरल है जो खोजा गया है रूस में, एक नया खनिज है जो खोजा गया है रूस में, ये यूकेआईटीआईटीए खोजा गया है रूस में, ये इसी नाम का क्षेत्र है वहाँ पर साइबेरिया में, वहाँ खोजा गया है ये। और ये बेसिकली मानते हैं बाहर से मेट्रोइड वहाँ गिरते रहते हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ काफ़ी उल्का पिंड गिरते रहते हैं उस इलाके में, तो उल्का पिंड के जरिए आया है हमारे यहाँ ये, तो पृथ्वी का नहीं है ये, बाहर का कोई एलिमेंट है ये, खोज की गई है इसकी, वहाँ उल्का पिंड गिरते हैं साइबेरिया के इलाके में, वहाँ मिला है ये यूकेआईटीआईटी, या पहचान लीजिएगा सुना मिल जाएगा, कभी नया मिनरल नया खनिज है जो खोजा गया है पृथ्वी पर, बहुत ज़्यादा नहीं जानते इसके बारे में, नाम रख दिया गया है यूकेआईटीआईटी। इसके बाद हमारे काम का इसमें विद्याश की कंचनजंगा देश का 11वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व होगा, कंचनजंगा रिजर्व या कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व देश का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व होगा, जिसे यूनेस्को ने एमवी सूची में शामिल किया है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व देश का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व होगा, जिसे यूनेस्को ने अपने एमएबी कार्यक्रम में शामिल किया है। तो लिख लीजिए कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व देश का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व होगा, जिसे यूनेस्को ने अपने एमएबी कार्यक्रम में शामिल किया है। कितने रिजर्व इंडिया में, 14 या 16, पुरानी बात हो गई बताएगा मुझे, अपडेट किया हो किसी ने, चंदू को 14, 16, 18, 19 अचानक अमरकंटक बना था लास्ट वाला आपका, 18 हो गए थे उसमें मिला के शायद, उसमें से 11 शामिल कर लिए आपने क्या एमएबी प्रोग्राम में, यूनेस्को प्रोग्राम में एमएबी तो पहचानता है दुनिया भर के रिजर्व को मान्यता देता है, तो भारत के 18 में से 11 आ गए हैं उसके अंदर, और भी हमारे पास हैं, एक बार नज़र मान लें आपके साथ, नॉलेज होना चाहिए वैसे आपको इस बारे में, ट्रेडिशनल पढ़ते हैं आपको काफ़ी। बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया की बात कर रहा हूँ, विकिपीडिया पे दिख जाएगा आपको आपसे ये कि कौन कौन से विकिपीडिया में देख लेते हैं एक बार, बाकी अभी हाल में किसको दिया गया है, नहीं अभी हाल में नहीं ना, सुंदरवन क्या है अभी हाल में, सुंदरवन क्या हुआ शामिल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वो शामिल हुआ है वेट। तो अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हैं वो जो 11 बता रहा हूँ मैं आपको, तो अभी शामिल किया कंचनजंगा लास्ट ईयर हम लोगों ने, बाकी वो हैं जो 11 शामिल किए हैं किसमें, एमएबी में, तो 11वां है कंचनजंगा शामिल किया गया 2018 में, 10 पहले थे हमारे यहाँ पर एमएबी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, यूनेस्को का हम लिख चुके होंगे क्लास पढ़ते हैं आप लोग, सुन लीजिए इंडिया में कितने टोटल, तो भारत में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये टोटल 14, 15, 16, 17, 18 है भारत में, अमरकंटक ऑर्डर लिखेंगे तो अचानक अमरकंटक जो इलाका है आपका कहाँ पर, ये एमपी छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर, उसे दिया गया दर्जा 2005 उसके बाद अंतिम 18 कुल इलाके आपके ये, तो भाई ये बात यहाँ पर, तो 18 हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिसमें से 11 को दिया गया पहचान कौन सा, एमएबी प्रोग्राम के तहत, यानी यूनेस्को फंडिंग मदद करेगा उसको प्रोटेक्शन करने में, नज़र देख लीजिए एक बार, पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन यहाँ से, तो नॉलेज होना चाहिए 11 कौन कौन से हैं वो ट्रेडिशनल नोट्स में लिखवाता हूँ, कंचनजंगा अगस्त 11 अप्रैल होना चाहिए कौन कौन से, देख लीजिए वीडियो पेज
खोल लीजिएगा, मिल जाएगा सामान आपको। आगे बढ़ेंगे स्क्रीन में आपके साथ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे हम लोग यहाँ पर। ओके बताता है आजकल ये नया वर्ड निकला है ओटीएफ, ओडीएफ, ओडीएफ प्लस, ओडीएफ प्लस प्लस। समझते हैं अंतर क्या? ओपन डेफिनेशन फ्री तो है, क्या अंतर तीनों में? ओपन डिफेक्शन नहीं, क्लियर है? चलिए देख लेते हैं आपका संग। ओडीएफ फ्री का मतलब क्या है हमारे लिए? पीपीटी 2019, पीपीटी अकाउंट डेवलपमेंट। याद रखिए क्वेश्चन बनना चाहिए इसमें, लगता है ओडीएफ पर क्वेश्चंस पर आना चाहिए आपके लिए। ओडीएफ सिटी सुन लीजिए, ओडीएफ सिटी क्या होती है? पॉइंट ऑफ द डे अ सिंगल पर्सन फाउंड डिफेक्टिंग ओपन प्लेस। कोई भी दिखना नहीं चाहिए ओपन में शौचालय करता हुआ, उसे कहा जाएगा ओडीएफ सिटी। ओडीएफ क्या है? इफ एनी पॉइंट ऑफ द डे नॉट अ सिंगल यूनिटिंग इन द ओपन एंड ऑल कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट्स आर फंक्शनल एंड वेल मेंटेन्ड। यानी कोई व्यक्ति दिखे तो दिखे ही नहीं, इसके अलावा सभी समुदाय के पास अपने शौचालय हो जो वेल मेंटेन्ड हो, फंक्शनल हो। शौचालय होना भी जरूरी है और उसका प्रयोग होना भी जरूरी है। और साथ ही साथ ना केवल शौचालय की बात हो यहाँ पर, यूनिटिंग की बात जोड़ दी उन्होंने यहाँ पर कि हर जगह पर यूनिट करने के लिए जगह प्राप्त हो आपके पास, ये जोड़ दिया गया है। तो हो गया ओडीएफ प्लस, ओडीएफ प्लस प्लस इफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये तो पहला पॉइंट तो है, ये दोनों दो। तीसरा पॉइंट भी है, जो सेप्टिक टैंक है या जो निकल रहा है वेस्ट वहाँ से, उसका ट्रीटमेंट करें, उसको सही जगह डिपोज करें, यानी उसका प्रॉपर वे मैनेजमेंट हो, उसका डंपिंग ग्राउंड खुले में ना पड़े हों हमारे यहाँ, उसको बेहतर मैनेज किया जाए। तो ओडीएफ प्लस प्लस हो भाई ये बात यहाँ पर। तो ओडीएफ शौचालय बनाना, ODF प्लस में शौचालय प्लस यूनिटिंग पॉइंट या मूत्रालय बनाना प्लस फंक्शनल टॉयलेट बनाना, और तीसरे में दोनों के अलावा प्लस आपके पास प्रॉपर मैनेजमेंट हो वेस्ट का, वाटर बॉडीज में ना जाता हो, खुले में ना पड़ा जाता हो वेस्ट आपका निकल कर, वो नदी में ना मिलता हो जाकर, उसे साफ किया जाए प्रॉपर वे में। वो भाई बात हमारी यहाँ पर ये। तो ODF स्टेटस पूछ सकता है, ODF, ODF प्लस और ODF प्लस प्लस, ये तीनों ही पार्ट हैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के। ये तीनों कैटेगरी सिटी की बात हो रही है, मैंने आपसे कहा सिटी की बात होती है यहाँ पर ये। तो ये पार्ट होगा आपका ODF प्लस प्लस, यानी सिटीज की बात होगी, स्वच्छ भारत अर्बन का पार्ट है ये। ODF, ODF प्लस, ODF प्लस प्लस याद रख पाएंगे, लगता पूछ सकता है, परिभाषा ध्यान रखिएगा आपसे। ODF प्लस प्लस परिभाषा आ सकती है, तीन पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ, पूछेगा कौन सा फैक्टर नहीं है इसमें से। और आमतौर पर ऐसा क्वेश्चन तो भी आंसर होंगे इसके, ऑल आंसर होंगे, तो निगेटिव वाला पॉइंट नहीं देगा यूपीएससी, पक्की बात है। कोई ये हो सकता है दे दे कि गाँव शहरों में लागू होती है बस, तो शहर में लिखवा दिए इसलिए आपको अलग से। चलिए आगे बढ़ेंगे आपके साथ। एनडीआरएफ बटालियंस क्या जानते हैं इसके बारे में हम लोग? एनडीआरएफ क्या है जानते हैं हम लोग? एक फोर्स है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। खुद की बटालियंस के पास होती है, सेना होती है खुद की, इसके पास अपनी 10 बटालियन हमारे देश में ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुकी है, थोड़ा जोड़ लीजिएगा एनडीआरएफ बटालियंस। कर दूं आपके साथ यहाँ पर, तो वी हैव ऑलरेडी 10 बटालियंस हमारे पास हैं एनडीआरएफ की। एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल, जो भी हमारा प्रतिक्रिया बल, 10 बटालियन हमारे पास हैं। याद रखिए बटालियन मतलब क्या होता है? बटालियन का मतलब है एक बटालियन को बहुत अधिक एरिया दिया जाता है, एक राज्य से अधिक दिए जाते हैं। आप देख रहे हैं वेस्टर्न बटालियन, तो राजस्थान, गुजरात और मालवा का एरिया मिलेगा आपको इसके पास। एक आपकी है पुणे बटालियन, तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक का बड़ा एरिया मिल रहा है, जहाँ आपदाएँ लगभग एक प्रकार की आती हैं। जैसे ये इलाका है सूखा वाला इलाका है काफ़ी देश का, ये इलाका है डेजर्ट भी है, कोस्टल में बाढ़ भी आती है बहुत ज़्यादा। ये इलाका है, ये गंगा का मैदान है, बाढ़ बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको यहाँ पर। ये इलाका है कहना चाहिए अर्थक्वेक या लैंडस्लाइड या एवलांच मिलेंगे आपको यहाँ पर। यहाँ पर जाएंगे तो एवलांच बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लैंडस्लाइड मिलेगा, अर्थक्वेक मिलेगा। तो हर बटालियन को एक्सपर्ट बनाया गया दूसरे फील्ड के अंदर कि भाई आपके एरिया में जो आपदा आती है बहुत ज़्यादा, उसके बारे में आपको एक्सपर्ट कर दिया जाए। तो देश में 10 बटालियन काम कर रही हैं, या कोस्टल बनाइए, कुछ फ्लड बहुत आती है कोस्टल में, यहाँ साइक्लोन बहुत आते हैं इस इलाके में, तो बनाया गया हर किसी को उसके अकॉर्डिंग, उसकी डिजास्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर, और दे दिया गया बड़ा सीजन दिया गया है। तो याद रखिए एनडीआरएफ बटालियन राज्य की नहीं होती हैं, एक बड़े एरिया ऑपरेट कर रही होती हैं। तो राइट वी हैव देख रहे हैं, आप देख रहे हैं 10 दिख रही हैं आपको यहाँ पर, ये तो 10 हमारे पास हैं ये। सरकार ने इस साल जो न्यूज़ आई है हमारे पास, घोषणा की है 2 बटालियन बनाई जाएंगी एनडीआरएफ की, दोनों जोड़ लीजिएगा एनडीआरएफ की 12 बटालियन की जाएंगी, एनडीआरएफ की 12 बटालियन बनाई जाएंगी।
माफ कीजिएगा, सॉरी सॉरी 12 नहीं, 4 बढ़ाई जाएंगी, चार और बढ़ाई जाएंगी, 10 हैं, चार और बढ़ाएंगे हम लोग, चार और बढ़ाएंगे हम लोग यहां पर, हाँ पूरा एनडीएमए होम मिनिस्ट्री का था, पूरा आपदा का पूरा डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री का है, डिजास्टर का पूरा डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री में आता है हमारी। तो भाई दोस्त बात हमारी यहाँ पर, तो 10 बटालियन हमारे देश में काम कर रही हैं, चर्चा हो सकती है पूछ लिया पर पुरानी बात हो गई है। 2017 में हमने इसकी 10th बटालियन तैयार की थी विजयवाड़ा में, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन में से यहाँ पर विजयवाड़ा गुंटूर का इलाका जो है ये यहाँ बनाई थी, हमने लिखा है डिसाइडेड व्हाटएवर, तो विजयवाड़ा बनाई है 10th बटालियन लास्ट टू लास्ट ईयर 17 में, अब चार और बनाने की कोशिश करते हैं, तो 9 बन चुकी थी पहले, बनाई थी हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट ईयर विजयवाड़ा में, अब और चार बनाने का फैसला कर दिया। देखिएगा अंतिम 10th बटालियन बनाई गई थी, 10वीं बटालियन विजयवाड़ा में तैयार की गई थी, विजयवाड़ा में चालू हो चुकी 10 बटालियन। आगे बढ़ेंगे आपके साथ, परिवेश हो गया, प्रॉक्सी वोटिंग हो गया, महादई लिबर्टी इंडेक्स मूव हो गया, ओके हेग करेक्शन, छोटा करेक्शन करना था मुझे आपके साथ, हेग कन्वेंशन के बारे में आया है कि भारत पे साइन कर चुका है, रेटिफाई कर चुका है, माई मिस्टेक में शायद लिखवाया तो नहीं किया है, तो लिख लीजिए कहीं भी हेग कन्वेंशन के बारे में। हेग कन्वेंशन कौन सा था, बच्चों को गोद देने संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन है, भारत ने उसको साइन कर दिया है, ये पढ़ा मैंने बाद में, तो हेग कन्वेंशन पर भारत साइन कर चुका है, भारत अडॉप्ट कर चुका है, रेटिफाई कर चुका है, तो प्लीज़ करेक्शन कर लीजिएगा जहाँ भी लिखा है पीछे आपने उसको। हेग कन्वेंशन बच्चों को गोद लेने का एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है, इंटर कंट्री एडॉप्टेशन रूल्स इसके तहत तैयार करते हैं, करेक्शन क्लियर है, प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए, गलत नहीं होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है ये हेग कन्वेंशन। बाजरा वर्ष के लिए थी, बाजार वर्ष टाइप क्या करते हैं यार, बाजरा वर्ष है बेसिकली, उसे कर लीजिएगा बाजरा वर्ष या मिलेट ईयर बेसिकली है, देखिए मैं टाइप करके कुछ देता हूँ, टाइप करके मुझे देते हैं बाजार वर्ष, उनको दिया कि टाइप कर दीजिएगा, तो टाइप करके मतलब ये होती है गलतियाँ, फिर कहते हैं नोट्स गलत हो गए, उनको लिखा कि बाजरा वर्ष है ये, बट जाइएगा इसका मतलब बाजरा वर्ष है ये, नेशनल ईयर बाजरा चल रहा है हमारे यहाँ पर इस साल, फाओ ने मान ली सिफारिश हमारी एक, और 2023 को डिक्लेयर किया गया एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में, जोड़ लीजिएगा फाओ ने भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की को मानते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय को मानते हुए या इसकी सलाह को मानते हुए 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है हमने, चलिए प्लीज हेग कन्वेंशन याद मैं बता दूं, हेग कन्वेंशन के बारे में आपको, इंडिया साइन कर चुका है, 96 कंट्री साइन कर चुकी हैं, रेटिफाई कर चुकी हैं हेग कन्वेंशन, करेक्शन कर लीजिएगा, हेग कन्वेंशन को साइन हो चुका है, ये कन्वेंशन आया था 1985 में, हेग कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ, आया था 95 में, लागू हो चुका है, इंडिया साइन कर चुका है, रेटिफाई कर चुका है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया जाएगा 2023 में, मान लिया है फाउन रिकमेंडेशन भारत सरकार की, ठीक है। याद रखिए बहुत सारी न्यूज़ बताई थी मैंने उस समय, हालांकि मेन क्वेश्चन आ चुका है इस पर, याद रखिए बाजरे को हम लोग यूज़ करते हैं, न्यूट्रीशनल्स ही बोलते हैं, पोषक धान नहीं बोलते हैं इसको हम लोग, तो पौष्टिक धाने वाली फसलें होती हैं ये, बाजरे में कई सारी फसलें शामिल होती हैं हमारे यहाँ पर, कई लोकल नाम होते हैं बाजरे के या अलग चीज़ें शामिल होती हैं मिलेट्स के अंदर, तो न्यूट्री सेल्स की बात कर रहे हैं, पौष्टिक धान्य कहते हैं, न्यूट्रिशन अच्छे होते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसी का नाम होता है न्यूट्री सेल्स या पोषक धान्य भी कहते हैं इसे हम लोग, तो बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं इसके अंदर, मोटे अनाज, ज्वार, जौ, बाजरा, रागी, कांगनी, बहुत सारे नाम इसके होते हैं अपनी भाषाओं में, अलग नाम होते हैं, अलग प्रकार होते हैं इसके बाजरे के, मोटा बाजरा, छोटा बाजरा, कुंडकी होता है, कुंदरी होता है, जौ, ज्वार, वो सारा नाम पड़ जाते हैं मोटे अनाज के हमारे, पहचान लीजिए, एग्जाम मिल सकता है क्वेश्चन, मेंस में आ चुका है, पीटी उम्मीद कर रहा हूँ फिर आ सकता है क्वेश्चन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स या बाजरा। हेड मांगेरा, सिक्किम के जनजाति समूह की बात कर लें आपके साथ, सिक्किम के जनजाति समूह
सुन लीजिएगा, सिक्किम आमतौर पे ऐसा फिक्स है हमारे यहाँ कि राज्यों की विधानसभा सीटों को नहीं बढ़ाया जाएगा 2026 तक। क्लियर होगा, आपको मालूम होना चाहिए लोकसभा और विधानसभा की सीटों को रेज नहीं किया जाएगा 2026 तक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सिक्किम के लिए सीटें बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि वहाँ पर दो समूह लिम्बो और तमांग को शामिल किया गया है एसटी कैटेगरी में, और जिनके लिए सीट बढ़ा दी गई है। तो अब बाद एक प्रकार से सिक्किम जहाँ बढ़ा गई सीटों की संख्या वहाँ पर शायद 40 कर दिया गया है उनको। कौन सी है? लिम्बो और तमांग, जिनको दिया है एसटी का स्टेटस। तो लाइन जोड़ लीजिएगा, सिक्किम में लिम्बो और तमांग को एसटी स्टेटस दिया गया, लिम्बो और तमांग को जनजाति का दर्जा दिया गया और विधानसभा की सीटें 32/40 कर दी गई हैं। विधानसभा सीटें 32/40 कर दी गई हैं। क्या न्यूज़ क्लियर है आप लोगों के लिए? आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, गायों को दिया गया है लीगल पर्सन का दर्जा। बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, गायों को दिया गया है लीगल पर्सन या विधिक व्यक्ति का दर्जा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गायों को दिया है लीगल पर्सन का दर्जा। इनको मारना, उनको पीटना, उनको किसी प्रकार हार्म पहुंचाना आपराधिक कार्रवाई माना जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी इस प्रकार के काम को रोकने के लिए। तो लीगल स्टेटस दिया गया है गाय को वहां पर, लीगल गार्जियन बन गया है गाय का सुप्रीम कोर्ट वहां का हाई कोर्ट। तो लीगल पर्सन दर्जा दिया गया है। याद रखिएगा, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वयं को गायों का अभिरक्षक मान लिया है, गार्जियन मान लिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वयं को गायों का विधिक संरक्षक मान लिया है, लीगल गार्जियन स्वीकार किया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वयं को गायों का लीगल गार्जियन स्वीकार किया है। आगे बढ़ेंगे आपके साथ, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, सेफ गार्ड ड्यूटी बता की हमने आपको। क्या दोस्त, इसका उल्लंघन है? ये एक डॉक्ट्रिन चलती है दोस्त, अगर आप जाना डिटेल में जाना चाहते हैं, डॉक्ट्रिन हम लोग चलती है, यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पर पैराडाइज फैक्ट्री डॉक्ट्रिन। एक डॉक्ट्रिन एक स्केल पर ये इसका यूज़ करते हैं कि जिसका संरक्षक कोई नहीं है, कोर्ट संरक्षक बन जाती है उसकी। तो कोर्ट एज अ गार्जियन उनकी फैसला करती है यहाँ पर। तो एक डॉक्ट्रिन है, कोई संकल्पना कुछ नहीं है ये, मतलब एक संकल्पना कह लीजिए केवल, पैराडाइज डॉक्ट्रिन कहते हैं उसको हम लोग, जहाँ पर कोर्ट खुद गार्जियन बन के एक पार्टी बन के केस लड़ता है। अब नदी है उसे संरक्षक नहीं है कोई, या कुछ ऐसा पशु है कोई संरक्षक नहीं है उसका, तो वहाँ पर कोर्ट बन जाता है लीगल गार्जियन। तो एक लैटिन फ्रेज है, पेरेंट ऑफ द कंट्री, पेरेंट ऑफ द कंट्री यानी उस व्यक्ति का अभिरक्षक बनके वो सलाह करेगा। तो भाई ये बात हमारी यहाँ पर, चलिए आगे बढ़ेंगे आपके साथ। सेफगार्ड हो गया। रेशम के दो प्रकार लिखवा रहा हूं मैं आपको यहाँ पर, मलबरी और वन्य। हेड बनेंगे मलबरी एंड वन्य, रेशम के दोनों प्रकार हैं ये, तैयार किया गया मलबरी और वन्य। मलबरी वन्य दो रेशम के नए कीड़े तैयार किए गए हैं, ये नए बीज के लिए तैयार किए गए हैं मलबरी और वन्य। याद रखिएगा, ऐसा मेरा अनुमान इस बार मुझे लग रहा है, ट्यूशन कह लीजिए अपनी भाषा में, रेशम पर क्वेश्चन बनना चाहिए इस बार, रेशम की इंडस्ट्री पर, रेशम के कीड़े के उत्पादन पर, कहाँ कहाँ इंडिया में रेशम होता है, रेशम के मैन्युफैक्चरिंग पर चीज़ें आ सकती हैं। तो पढ़ लीजिएगा, कुरुक्षेत्र में काफ़ी बार दिया गया रेशम के ऊपर चीज़ों को, रेशम का उत्पादन कैसे होता है देश के अंदर, कौन से कीड़े देश में चलते हैं, कौन कौन से मलबरी टसर एरी मूंगा, कौन कौन से रेशम इंडिया में होते हैं, एक बार देख लीजिएगा प्लीज़ आप लोग। तो आप कहेंगे तो कुरुक्षेत्र में शेयर कर दूँ, कृपया पाठ कुरुक्षेत्र में एक टॉपिक आया था बकायदा कीट उत्पादन रेशम उत्पादन पर, एक उसमें दिया था टेक्निकल पार्ट उसका, कुरुक्षेत्र के अंदर मैं शेयर कर दूँगा, आप चाहेंगे पढ़ लीजिएगा, बहुत काम का टॉपिक है इस बार के लिए रेशम का। तो याद रखिएगा, रेशम को मेंटेन करने के लिए भारत में बोर्ड हमारे यहाँ पर सेंट्रल सिल्क बोर्ड, देश में सरकार ने स्कीम लॉन्च की 2017 में, एकीकृत रेशम स्कीम भी लॉन्च की सरकार ने, आपको लिखवाया था याद होगा मार्च वाली क्लास में, एकीकृत रेशम विकास योजना R&D से लेकर पूरा अंत तक का जो काम करना है उसमें काफ़ी कुछ हुआ है। तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल आता है ये, एस्टैब्लिश हुआ था 48 में, स्टैचुरी बॉडी है, एक संवैधिक संस्था है, में बढ़ावा देता है सिल्क वॉर्म या रेशम के उत्पादन को ये। तो याद रखिए, इंस्टीट्यूशनल काम है काफ़ी, इस बार संभावना है रेशम पे क्वेश्चन बनने की आपके। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग यहाँ से।
हेड बनाएंगे आर यू सी ओ, आर सी ओ, आर यू सी ओ, रिपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल, रिपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल, जो खाना बनाकर तेल बसता है खाना बनाने के बाद आपका जो किसी चीज को फ्राई करने का जो तेल बसता है उसकी बात हो रही है यहां पर, रिपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल, खाना बनाने के बाद जो फ्राई करने वाली चीज बसती है, तेल बसता है कढ़ाई में या उस बर्तन में, उसके बाद उपयोग किया जाएगा देश में बायोडीजल तैयार करने में, उस कुक्ड फूड का फ्यूल का यूज किया जाएगा बायोफिल तैयार करने में। जोड़ लीजिएगा, रुको का प्रयोग बायोफिल तैयार करने में किया जाएगा, रुको का प्रयोग बायोफिल तैयार करने में किया जाएगा, आर यू सी ओ, रिपर्पज यूज कुकिंग ऑयल का प्रयोग बायोफिल तैयार करने में किया जाएगा, और इसीलिए एफ एस एस ए आई ने इस फ्यूल को कलेक्ट करने का काम शुरू कर दिया है, इसीलिए FSSAI ने इस तेल को संग्रहित करने का काम, कलेक्ट करने का काम शुरू कर दिया है, इस तेल को संग्रहित करने का काम शुरू कर दिया है। याद आ पाएंगे हम लोग यहां पर RUCO कलेक्शन होगा, यहां पर FSSAI ने माना शुरू कर दिया। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां से, हेड बनाएंगे आईसीटी वीजा, आईसीटी वीजा इंटर कंपनी ट्रांसफर वीजा, आईसीटी वीजा इंटर कंपनी ट्रांसफर वीजा, इंटर कंपनी ट्रांसफर वीजा आईसीटी वीजा, फाइन लेकिन वाला सुन लीजिए इसके बारे में, ब्रिटिश वीजा है ये, जिसके तहत जो कंपनियां यहां भी काम कर रही हैं, ब्रिटेन में काम कर रही हैं, अपने कर्मचारियों को ट्रांसफर करती हैं यहां से, वो इंटर कंपनी ट्रांसफर करती हैं, तो उसके लिए वीजा है, उसका ऑफिस यहाँ पर, एक ऑफिस ब्रिटेन में है और अपने कर्मचारी को ट्रांसफर करती है ब्रिटेन यहाँ से, तो जो वीज़ा लगता है उसमें लगता है टीयर टू वीज़ा या आईसीटी वीज़ा कहते हैं, और कटेल कर रहा है इसको ब्रिटेन, अब शर्तें कठिन कर रहा है जिससे कंपनी का ट्रांसफर मुश्किल हो जाएगा, ना जोड़ लीजिएगा, ये ब्रिटिश वीज़ा है जो कंपनियों में कंपनियाँ अपने कर्मचारियों को देती हैं, ब्रिटिश वीज़ा है जो कंपनियाँ कर्मचारियों के लिए देती हैं, जो कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए लेती हैं, जिससे कर्मचारियों को ब्रिटेन में ट्रांसफर किया सकें, जिससे कंपनियां कर्मचारियों को ब्रिटेन में ट्रांसफर कर सकें, कंपनियां कर्मचारियों को ब्रिटेन में ट्रांसफर कर सकें, क्या स्पष्ट बात है आपको ये? तो सुगटल कर रहा है, ब्रिटेन चाहता है कम हो जाए संख्या में, ये बाहर के लोग कम आए, हमारे लोग यूज करें ज्यादातर, तो आईसीटी वीजा कंपनियां लेती हैं कर्मचारियों के लिए, अपने कर्मचारियों ट्रांसफर कर सकें वो ब्रिटेन में। नेक्स्ट हेडिंग, कैस्पियन सागर देशों का समझौता, कैस्पियन सी कंट्री एग्रीमेंट, कैस्पियन सागर देशों का समझौता, याद रखिएगा मैं बोल चुका हूं ज्योग्राफी मैप में देख लीजिए कैस्पियन सागर कहां कहां पर देश हैं टच करते हैं, कैस्पियन सागर का समझौता हुआ, पांच देश टच करते हैं उसको, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रशिया और तुर्कमेनिस्तान टच करते हैं, बोल चुका हूँ पहले भी आपको क्लास में, कैप क्लास में बताया था मैंने कि ये टच करते हैं पांचों इस कैस्पियन सागर को, एग्रीमेंट हुआ है जिससे तेल पाइप बिछाना आसान हो जाएगा, पांचों ने अपना अपना ईजेड डिफाइन कर लिया कुल मिलाकर कि भाई आपका ईजेड यहां तक होगा, मेरा एरिया यहां तक होगा, तो इससे पाइपलाइन बिछाना आसान हो जाएगा, तो इन देशों ने, इन पांचों देशों ने एक समझौता किया है जिससे यहां पाइपलाइन बिछाना आसान हो पाएगा। तो भाई ये बात हमारी यहाँ पर, तो पाइपलाइन बिछाना आसान हो पाए, कैस्पियन सी ऑयल रिच एरिया है जानते हैं आप लोग, तो ऐसे में पाइपलाइन बिछाना आसान हो जाएगा कैस्पियन सी से, पांच देश याद रखिए, मैप पूछ सकता है कैस्पियन सागर का, इस बार मुझे लग रहा है जो नजर रखिए कैस्पियन सागर के मैप पर, ओके, उस दिन किसी ने ग्रुप पर क्वेश्चन पूछा था मुझसे, ये होता है लैंडलॉक कंट्रीज, ये होता है डबल लैंडलॉक कंट्रीज, ऐसे कंट्री जो लैंडलॉक तो है ही है लेकिन वो ऐसे कंट्रीज घरे हैं जो खुद लैंडलॉक है, और समझ आई, तो सेंट्रल एशिया में कुछ ऐसे देश हैं जो डबल लैंडलॉक कंट्री हैं, दुनिया में दो ही देश हैं केवल ऐसे जो डबल लैंडलॉक है, एक है स्विट्जरलैंड शायद, उसके बगल में जो छोटा सा कंट्री है लिसेस्टेशन, लिसेस्टेशन एक देश है छोटा सा वहाँ पर जो ढका घिरा हुआ है स्विट्जरलैंड से, स्विट्जरलैंड खुद एक लैंडलॉक कंट्री है, और यहाँ पर आएंगे कंट्री उज्बेकिस्तान,
उज्बेकिस्तान लैंडलॉक है क्यों? क्योंकि टच करता तुर्कमेनिस्तान को जो खुद एक लैंडलॉक कंट्री है. तो हालांकि उज्बेकिस्तान टच करता है तुर्कमेनिस्तान को जो खुद एक लैंडलॉक कंट्री है, तो ऐसे में डबल लैंडलॉक हो जाएगा. स्विट्जरलैंड नहीं, स्विट्जरलैंड के बगल में छोटा सा लिशेस्टेशन, छोटा सा कंट्री है लिशेस्टेशन, LICHTENSAIN, छोटा सा कंट्री है वो, टाउनशिप कंट्री बेसिकली है वो. तो वो देश डबल लैंडलॉक कहलाता है. तो याद रखिए, पूछ सकता है लैंडलॉक कंट्री, डबल लैंडलॉक कंट्री, कैस्पियन सी कंट्री, बात कर सकता है. ध्यान रखिएगा, अरे क्वेश्चन करिएगा आराम से. यहाँ पर हाँ बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टार्टिंग कहेंगे हम लोग यहाँ पर हुलाकी राजमार्ग या पोस्टल हाईवे. वन लाइन लिखेंगे, हुलाकी राजमार्ग या पोस्टल हाईवे. नेपाल में बन रहा है, भारत मदद कर रहा है बनाने में इसकी. हुलाकी राजमार्ग या पोस्टल हाईवे नेपाल में बन रहा है, भारत मदद कर रहा है बनाने में इसको. नेपाल का हाईवे है, पोस्टल हाईवे या हुलाकी राजमार्ग भी कहते हैं इसे. बनाने में भारत मदद कर रहा है नेपाल की, हुलाकी राजमार्ग या पोस्टल हाईवे. आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेशनल या राष्ट्रीय वन्य जीव जेनेटिक संसाधन बैंक. राष्ट्रीय वन्य जीव जेनेटिक संसाधन बैंक, राष्ट्रीय वन्य जीव जेनेटिक संसाधन बैंक, राष्ट्रीय वन्य जीव जेनेटिक संसाधन बैंक. लीजिएगा, ये बन रहा है डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक के, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक के अधीन बन रहा है ये. नेशनल वाइल्ड लाइफ जेनेटिक रिसोर्स बैंक, राष्ट्रीय वन्य जीव जेनेटिक संसाधन बैंक बन रहा है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक के अधीन. कुल मिलाकर देश में जो पशु हैं, जो एनिमल हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, उसका जेनेटिक रिसोर्स तैयार करना, उसके डेटाबेस तैयार करना. लीजिएगा, इसके तहत देश के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जेनेटिक डेटाबेस तैयार किया जाएगा. इसके लिए देश के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का जेनेटिक डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जेनेटिक डेटाबेस तैयार किया जाएगा. चलिए बाहर आते हैं इससे. INI, इंटरनेशनल नाइट्रोजन पहल, अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल, इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव, अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल या इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव. याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ये, 2003 में बनाई गई थी. INI अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल, 2003 में इसको बनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है. अध्ययन करती है नाइट्रोजन का, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कितनी जरूरी है नाइट्रोजन का अध्ययन करती है, ये स्टडी ऑफ नाइट्रोजन करती है फॉर SDG गोल्स. नाइट्रोजन अध्ययन करती है ये. याद रखिएगा, इस साल भारत ने काफी अच्छा काम किया नाइट्रोजन के ऊपर. मैं काफी लिखवा भी चुका हूँ क्लास में, संडे क्लास में आप लोगों को. इस साल काफी अच्छा काम किया भारत ने नाइट्रोजन के ऊपर, और भारत के एक व्यक्ति को बनाया गया है INI का हेड इस बार. तो लिखेंगे, भारत के वैज्ञानिक नंदुला रघुरमन को बनाया गया है INI का हेड. भारतीय वैज्ञानिक नंदुला रघुरमन, रघुराम को INI का हेड बनाया गया है. नंदुला रघुराम को INI का हेड बनाया गया है, INI का हेड बनाया गया. देखिए, भारत दुनिया का पहला देश है जिसने, पहला देश तो नहीं कहूँगा, EU और अमेरिका के बाद तीसरा पक्ष है जिसने नाइट्रोजन का असर क्या होगा क्लाइमेट चेंज में, उस पर रिपोर्ट जारी की है. तो अच्छा काम कर रहे हैं नाइट्रोजन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, काफ़ी क्वेश्चन बन सकता है. नंदुला रघुराम पहले एशियाई हैं और पहले भारतीय हैं जिनको चुना गया इस पद के लिए. 2003 की संस्थाएँ बनी थी ये. नंदुला रघुराम पहले भारतीय भी हैं, पहले एशियाई भी हैं जिनको अध्यक्ष बनाया गया है इस INI का. 2003 में तैयार की गई थी INI. आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से प्लीज. तो नाइट्रोजन पर रिसर्च देख लीजिए, काम आ सकता है आपके लिए. नंदुला रघुराम, याद रखिएगा, ये जो संस्था है INI, इसकी लगभग हर 3 साल मीटिंग होती है. 3 साल में इसका मीटिंग होता है, हर 3 साल में. और 5वां मीटिंग जो हुआ था इंडिया में हुआ था इसका 2010 में. अब इसका मीटिंग हर 3 साल में होता है आमतौर पर. 5वां जो मीटिंग हुआ था INI का, भारत में हुआ था, दिल्ली में हुआ था. 5वां इसका मीटिंग 2010 में इंडिया में हुआ था, 5वां मीटिंग. तो भाई ये बात यहाँ पर
चलिए भारत में से हम लोग, याद रखिए भारत ने भी रिपोर्ट जारी की अपनी एक इंडियन नाइट्रोजन असेसमेंट INA नाम से रिपोर्ट आई है, याद रखिएगा इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है INA नाम से, इंडियन नाइट्रोजन असेसमेंट। उसमें भारत ने कहा है कि जो नाइट्रोजन है ये नया कार्बन है, एक वर्ड यूज़ किया न्यू कार्बन है सेरा का, ये नाइट्रोजन नया कार्बन बनने वाला है। ये समस्या कार्बन से बढ़ रही है वह समस्या नाइट्रोजन से बढ़ेगी आने वाले दिनों में, ये कहना है भारत का अपनी रिपोर्ट में। तो नाइट्रोजन को माना है नया कार्बन इन्होंने, फरवरी खबर 30 साल की है। बाद में इस रिपोर्ट को शामिल करने का प्रयास किया हम लोगों ने UNEP के प्रपोजल में, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रस्ताव सफलता नहीं मिली हमको। चलिए आगे बढ़ेंगे, हट मांगे बाउला प्रोजेक्ट, वन लाइन बाउला AULA प्रोजेक्ट, बाउला प्रोजेक्ट, बाउला प्रोजेक्ट, ये उड़ीसा में चल रहा है प्रोजेक्ट, ये भीतर कर्णिका सेंचुरी में बाउला BAULA बाउला प्रोजेक्ट उड़ीसा में भीतर कर्णिका सेंचुरी में चल रहा है, ये वहाँ के जो नमकीन पानी के मगरमच्छ हैं उनको बचाने के लिए, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल प्रोटेक्शन देने के लिए, नमकीन पानी के या लवणीय पानी के मगरमच्छ को प्रोटेक्ट करने के लिए बाउला परियोजना भीतर कर्णिका सेंचुरी में उड़ीसा के, हो पाई बात, बाउला परियोजना सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। फ्रेश वाटर कहाँ मिलते हैं हमको, चंबल में सॉल्ट वाटर मिलते हैं यहाँ पर। सोलर पार्कर प्रोब लॉन्च किया नासा ने, सौर मंडल का, माफ कीजिएगा, सूर्य का अध्ययन करने के लिए सोलर पार्कर प्रोब, सूर्य का अध्ययन करने के लिए नासा का मिशन है, सोलर पार्कर प्रोब सूर्य का अध्ययन करने के लिए नासा का मिशन है, लॉन्च किया 31 अगस्त को लॉन्च किया था इसको, सोलर पार्कर प्रोब सूर्य का अध्ययन करने के लिए नासा का मिशन है जो सूर्य के सबसे करीब पहुंच जाएगा, लगभग 38 मिलियन माइल्स तक पहुंच जाएगा सूर्य के, ये करीब तो पहुंच जाएगा सूर्य के, 38 मिलियन या 38 लाख बोल लीजिए भाषा में अपनी, 38 लाख मील करीब पहुंच जाएगा सूर्य के, ये हमारे डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर सोचिएगा सूर्य से अभी हमारी, ये पहुंच जाएगा केवल 38 लाख तक, तो बहुत करीब पहुंच जाएगा सूर्य के ये। अगले 7 सालों में 24 चक्कर लगाएगा सूर्य के चारों ओर, ये वैसे में अध्ययन कर पाएगा सूर्य का ढंग से, ये अगले 7 सालों में 24 चक्कर लगाएगा सूर्य के चारों ओर, ये मेन काम क्या होगा, सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ कोरोना का स्टडी करेगा सोलर पार्कर प्रो, सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा, कोरोना का अध्ययन करेगा ये, सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा सोलर पार्कर प्रो। चलो आगे बढ़ा जाए आपके साथ यहाँ से, चलिए करते हैं। देश में लीगो लैब बनेगी कहाँ पर, महाराष्ट्र के हिंगोली में, ये फाइनलाइज हो गया है। लीगो लैब जानते हैं, लीगो लैब लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, कुल मिलाकर गुरुत्वीय तरंगों का अध्ययन करने के लिए लीगो लैब बनाई जाती है जो बनेगी भारत के महाराष्ट्र के हिंगोली में, लिख लीजिएगा ऑनलाइन, भारत में महाराष्ट्र के हिंगोली में बनेगी लीगो लैब, महाराष्ट्र के हिंगोली में, हिंगोली सेकेंड लाइन, हिंगोली बनेगी, महाराष्ट्र के हिंगोली बनेगी देश की पहली लीगो लैब। क्या होगा लीगो लैब में, अध्ययन होगा ग्रेविटेशन वेव्स का, अध्ययन होगा यहाँ ग्रेविटेशन वेव्स का, गुरुत्वीय तरंगों का लीगो लैब में। न्यू होराइजन मिशन क्या था, ये मंगल नहीं है, प्लूटो इनसाइट था मंगल वाला। न्यू होराइजन में लॉन्च किया 2006 में, याद रखिएगा, बात करो मैं न्यू होराइजन लॉन्च किया 2006 में, प्लूटो का अध्ययन करना था इसको, प्लूटो के बाद उसका जो प्लूटो का जो छोटा सा क्या है मून है चैरॉन, उसका स्टडी करना था, कर लिया पूरा इसने चैरॉन, सुन लीजिए फिर से, न्यू होराइजन मिशन की बात कर रहा हूँ, 2006 में लॉन्च किया था, काम था प्लूटो का अध्ययन करना, न्यू होराइजन नंबर 75 देख रहे हैं, न्यू होराइजन मिशन काम था प्लूटो का अध्ययन करना, प्लूटो के अध्ययन के बाद इसका काम था उसके मून, उसके उपग्रह चैरॉन का अध्ययन करना, दोनों पूरा कर लिया इसने अपना काम, अब इसको आगे भेज दिया गया है वहां से, अब स्टडी कर रहा है एक नए पिंड का अल्टिमा थुले का, तो नया पिंड पर पहुंच गया है कुछ दिनों पहले अल्टिमा थुले पर, 2006 में लॉन्च किया था, अभी भी काम कर रहा है, न्यू होराइजन लॉन्च किया 2006 में नासा ने, मेन था प्लूटो का अध्ययन करना, उसके उपग्रह चैरॉन का अध्ययन करना, CHERON चैरॉन का अध्ययन करना, अब पहुंच गया ये अल्टिमा थुले तक, अल्टिमा थुले जो एक और नया पिंड है प्लूटो के आगे,
उसका अध्ययन कर रहा है टिमा थुले का न्यू होराइजन मिशन, याद पाएंगे हम लोग, अब चर्चा रहेगी इसके बारे में। एफसीआर बता चुका, एफसीआर कानून पॉलिटिकल पार्टी को चंदा मिल सकेगा, पॉलिटिकल पार्टी चंदा प्राप्त कर सकेंगे, एफसीआर कानून की बात हो चुकी है इस बारे में। केरल बाढ़ आई थी अगस्त महीने में, बहुत टॉपिक चर्चा में था, वो क्या पूछेगा आई कांड से, तो लेकिन तैयार रखिएगा। केरल की बाढ़, नदियाँ कौन सी हैं वहाँ पर, वहाँ पर कौन कौन सी बांध बने हैं, वहाँ पर इडुक्की बांध है, मुल्ला पेरियार बांध है, चोकियार बांध है, प्लीज़ एक बार ज्योग्राफी देख लीजिएगा केरल की, कौन सी नदियाँ बहती हैं ऑर्डर वाइज एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पर शहर देख लीजिएगा केरल के ऑर्डर वाइज में चाहूँगा आप लोग। तो केरल इस बार इम्पॉर्टेंट स्टेट रहा है मेरे लिए, तो काफ़ी चर्चा रही केरल की बाढ़ को लेकर, वहाँ पर जो हंगामा रहा पूरा, तो वो देख लीजिएगा। इसके अलावा केरल में बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन करुणा, उसको लोग नोट करेंगे, ऑपरेशन करुणा इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन था केरल की बाढ़ के लिए चलाया गया था, केरल की बाढ़ को देखते बनाया गया था ऑपरेशन करुणा को। ऑपरेशन करुणा केरल की बाढ़ के लिए इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन था, लोगों को बचाने के लिए इंडियन एयरफोर्स का। ग्रीन पटाखे क्या है ये, सुन लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है रासायनिक पटाखों को, तो CSIR को काम दिया बनाइए ग्रीन पटाखे, CSIR लैब ने तैयार किए पटाखे, ग्रीन पटाखे तैयार किए हैं जिसमें कहना चाहिए नॉन केमिकल्स या रासायनिक प्रयोग कम किए गए हैं, तो जोड़ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CSIR ने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CSIR ने ग्रीन पटाखे तैयार किए हैं, ग्रीन पटाखे तैयार किए हैं। तीन नाम याद है क्या क्या है वो, किसी को कौन कौन से पटाखे हैं तीन, वो सरल सहज कुछ नाम क्या है, एक का नाम है, ये तीन नाम देखने स्क्रीन में नाम चाहूंगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। स्वास्थ्य सफल स्टार तैयार किए तीन क्रैकर्स हम लोगों ने, CSIR लैब ने, CSIR ने तैयार किए तीन पटाखे, ये स्वास्थ्य सफल स्टार, स्वास्थ्य सेफ वाटर रिलीजर, सेफ मिनिमल एल्युमिनियम और सेफ थर्माइट क्रैकर स्टार, तो स्वास्थ्य सफल और स्टार नाम के पटाखे तैयार किए हैं, ग्रीन क्रैकर तैयार किए हैं, किसने तैयार किया ये CSIR ने, स्वास्थ्य सेफ वाटर रिलीजर, सफल सेफ मिनिमल एल्युमिनियम और सेफ थर्माइट क्रैकर स्टार, तीन पटाखे तैयार किए हैं और भी तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे, ये चर्चा में आए थे पहली बार, ग्रीन क्रैकर है ये, पूछ सकता है स्वास्थ्य क्या है सफल क्या है, तो पहचान जाइएगा सफल डेरी नहीं है ये, सफल ये ग्रीन क्रैकर से तैयार किए CSIR ने। आगे बढ़ेंगे आपके साथ, नाम देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर, स्वास्थ्य सफल और स्टार, चलिए प्लीज आगे बढ़ेंगे। इंडिया वेज रिपोर्ट जारी की, लिखेंगे इंडिया वेज रिपोर्ट जारी किया, इंडिया वेज रिपोर्ट जारी की है, आईएलओ ने रिपोर्ट जारी की है, इंडिया वेज रिपोर्ट जारी की है आईएलओ ने, क्या है रिपोर्ट जान लीजिए। इनका मानना है इस रिपोर्ट में कि भारत में काफी असमानताएं, महिला पुरुष के समान काम के समान वेतन की बात केवल थ्योरी है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है, तो लिखेंगे रिपोर्ट के अनुसार महिला पुरुष वेतन में काफी अंतर है, महिला पुरुष वेतन में काफी अंतर है, ठीक है। अच्छी बात जो बता दूं आपको, यहां उन्होंने कहना है कि एक मिनट दीजिएगा, ये होगा इंडिया वेज रिपोर्ट, समझ लीजिए मुझे पता एक चीज देख लीजिए, कहीं वेज रिपोर्ट नहीं, जो वेज रिपोर्ट आती है, ये रहा अच्छी बात जो समझिएगा, यहां पर जो कहा गया है कि पिछले 94 के मुकाबले देश में वेजेस लगातार बढ़ रही हैं, अच्छी बात है, ये 128 रुपए हुआ करती थी, यहां पर 28 कहना चाहिए बढ़ गई है लगातार वेज हमारे यहां पर, लगातार वेज बढ़ रही, लेकिन जो काम की बात समझना चाहिए, पहले शहर और गांव में वेज का अंतराल कम था, अब इनके अंतर काफी बढ़ गया है, यानी कि पहले गांव में और शहर में सैलरी का अंतर या वेज का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, वेतन अंतर नहीं था, आपने 8 घंटे काम किया, शहर में आपको मिलते थे 200 रुपए लगभग, गाँव मिलते थे लगभग 100 या 60 रुपए लगभग,
मल्टी का अंतर था, अभी अंतर बढ़ता जा रहा है, ये 500 हो गया है और लगभग 200 पहुंच पाया है, यानी शहर और गांव के बीच वेज का अंतर लगातार बढ़ रहा है। पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे, पहला पॉइंट शहर गांव के बीच वेतन अंतर बढ़ रहा है, दूसरा पॉइंट पिछले 20 सालों में 94 से 2012 के बीच एवरेज वेज लगभग डबल हो गई है, औसतन डबल हो गई है, 128 थी औसत हमारे यहाँ पर, बढ़कर 247 हो गई है, औसत वेतन 128 से बढ़कर 247 हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया है, लगभग डबल हो गया 20 सालों में वेतन हमारे यहाँ पर, अंतर बढ़ गया गांव शहर भी, निगेटिव पॉइंट है अपने आप में ये, और वुमेन और मेन्स का जो अंतर था, पुरुष महिला का वेतन अनुपात अंतर जो पहले 48% तक था वो कम होकर 34 रह गया है, तो 34% में कमी आई है वेज गैप में, महिला पुरुष के वेज गैप में अंतर था 50% का वो कम होकर 34% रह गया, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा है, ये दोहराई नहीं है, समझ आने पॉइंट तीन पॉइंट मुझे यहाँ पर। तो वेज गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? जारी करता है, डबल हो गई है सैलरी, अच्छी बात है, लेकिन शहर गांव का अंतर बढ़ गया है और महिला पुरुष के वेतन में भी अंतर बना हुआ है 34% का, यानी पुरुष काम करते 100 रुपये तो महिला को मिलेंगे बस 66 रुपये लगभग, उस काम बड़ा अंतर है देश में विमेन वेजेस के अंदर। आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ से वेज रिपोर्ट जारी किया आईएलओ ने, ई गवर्नेंस पर इनिशिएट लिए कुछ, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नई पहल स्टार्ट की, नाम लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पोर्टल्स, कुछ इनिशिएटिव लिए ई गवर्नेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने, वो देखते हैं क्या क्या पोर्टल्स हमारे पास लॉन्च किए इन लोगों ने, नाम लिखिएगा मैं चाहूँगा सामने दिखाएगा, पोर्टल या लॉन्च किए सुप्रीम कोर्ट ने ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, ई फाइलिंग केस को फाइल करने के लिए, ई फाइलिंग की बात आ गई है, नाम लिखिए केवल ई फाइलिंग, ई पे को जुर्माना भरना हो, कोर्ट की फीस भरनी है ऑनलाइन भर सकते हैं आप, ई पे आ गया है, ई पे, एन स्टेप, एन स्टेप तीसरा है, एन स्टेप, एन स्टेप, केस कहाँ चल रहा है, किसके पास चल रहा है, कौन जज सुनवाई कर रहा है, मामला कहाँ तक पहुँच गया है, कितना टाइम लग, कितनी हियरिंग हो चुकी है, अगली हियरिंग कब होगी, सब कुछ जानना है आपको केस के बारे में, तो आप देख सकते हैं एन स्टेप पर यहाँ पर, तो एन स्टेप, एन स्टेप तैयार किया गया, ट्रैक कर सकते हैं आप केस को यहाँ पर, तो केस ट्रैकिंग के लिए एन स्टेप, एन जे डी जी या जुडिशियल डेटा ग्रिड, जुडिशियल डेटा ग्रिड तैयार की गई है देश में या तैयार की जा रही है, मैं कहूँगा इवन नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड तैयार की जा रही है देश में, तो देश की जिला अदालतों में हाईकोर्ट में कितने केस पेंडिंग हैं, कब से पेंडिंग हैं, कितने पुराने केस हो चुके हैं, उनका ग्रेड बनेगा पूरा का पूरा, जिससे कहीं ना कहीं केस की सुनवाई आसान हो जाएगी, पुराने केस को पहले देख सकेंगे आप, काम आसान होगा पहले के मुकाबले इसमें, तो देश में तैयार की जा रही है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, नंबर ऑफ केसेस डेटाबेस होगा प्रकार से केसेस का देश भर में, कौन से केस चल रहे हैं, कब चल रहे हैं मामले, वो आप देख पाएंगे इस पोर्टल पे आके, तो देश में जुडिशियल ग्रिड तैयार की जा रही है, देश के न्यायालयों को आपस में जोड़ा जा रहा है, वो भाई बात हमारे यहाँ पर जुडिशियल ग्रिड तैयार की जा रही है देश के अंदर। चलिए बाहर आते हैं हम लोग यहाँ से, नेक्स्ट हेडलाइन देखेंगे, नेक्स्ट न्यूज़ आपके लिए, राष्ट्रपति चुनाव में खत्म कर दिया है नोटा का विकल्प सुप्रीम कोर्ट ने, देख लीजिएगा राज्यसभा चुनावों में नोटा विकल्प खत्म कर दिया गया है, राज्यसभा चुनावों में नोटा विकल्प खत्म कर दिया गया है, अच्छा वेब जारी होता है राज्यसभा चुनाव के लिए, वेब आता है, वेब समझते हैं हम लोग, राज्यसभा इलेक्शन वेब जारी होता है, वेब नहीं होता होगा, वेब जारी होता है कि उधर राष्ट्रपति चुनाव के लिए, क्योंकि दर बदल के बहुत मामले सामने आए थे लास्ट ईयर, हमने देखा गुजरात में जब था अहमद पटेल जी का वहाँ पर इलेक्शन हो रहा था राज्यसभा के लिए, तब वहाँ पर जो विधायक थे दिखा रहे थे पार्टी अध्यक्ष को, देखो मैं कहाँ वोट डाल के जा रहा हूँ, तो वेब का उल्लंघन हुआ था वहाँ पर और कुछ एक्शन नहीं हुआ था, यानी वेब जारी नहीं होता कुल मिलाकर यहाँ पर, ये याद रखिएगा वेब जारी नहीं होता है इसमें, राज्यसभा कैंडिडेट जब चाहे वोट कर सकते, इसी नोटा खत्म कर दिया गया है, क्योंकि इसमें होगा कि आपके पास नन को चुन दिया आपने तब भी गलत कर दिया, कहीं पार्टी को उल्लंघन कर दिया, तो यहाँ पर एक क्लास कोर्ट ने जो कहा है कि जो अगर नोटा होता है वहाँ पर, नोटा करता क्या है, आपने अपनी पार्टी के लिए वोट नहीं किया, दूसरी पार्टी को वोट कर दिया, ये एक दरबदल हो गया एक प्रकार से, लेकिन अपनी पार्टी को वोट नहीं किया, नोटा पर वोट दबा दिया, वोट खराब कर दिया आपने कुल मिलाकर अपना, तो एक प्रकार से दरबदल ही माना जाएगा, तो इसलिए जरूरी, तो यानी वेब जारी होता है, समझ पाऊँ से वेब जारी होगा इस केस में, कोई कोर्ट ने यहाँ पर कहा है
क्योंकि उससे उल्लंघन होता है विप का, इससे दल बदल का उल्लंघन होता है। एक प्रकार से राज्यसभा के लिए विप का जारी होना जरूरी है। एक प्रकार से कोर्ट ने बात कही है कि नोटा का विकल्प जो होता है ये डिफेंशन को बढ़ावा देता है, एंटी डिफेंशन बढ़ावा देता है, दल बदल को बढ़ावा देता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि ये दल बदल होता है, उल्लंघन कहीं ना कहीं। तो भाई ये बात हमारी देख लीजिएगा, इसको पार्टी बुक में जाकर क्या लिखा है वहाँ पर आपके नोट्स में, तो ज़्यादा करेक्शन हो जाएगा। जो भी होगा बता दूंगा आपको, ज़्यादा होगा तो अभी देख लीजिएगा नोट्स में जाकर अपने, वन में कल करेक्शन कर दूंगा इस पर आपके साथ। आगे बढ़ेंगे आपके साथ। नोटा को बंद किया गया राज्यसभा चुनाव के लिए। आरबीआई ने पीसीआर तैयार किया है, बात कर चुके हैं इस बारे में लोग। कौन सी कमेटी थी, कमेटी थी क्या पीसीआर के लिए, कमेटी नहीं सरकार ने डिसिप्लिन पर ये काम किया, देवस्थली कमेटी, देवस्थली कमेटी पीसीआर पे सलाह दी थी, देवस्थली में लिखा चुका हूँ क्लास के अंदर, पीसीआर पे सलाह दी देवस्थली कमेटी ने, इसकी रिकमेंडेशन पे बनाई जा रही है पीसीआर। पीसीआर क्या है, जो लोन लेते हैं लोग उनका डेटाबेस होगा बेसिकली, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री नाम होता है इसका। देवस्थली कमेटी के सलाह पे इसको बनाया गया है पीसीआर को। इसके अलावा आरबीआई ने नियम जारी किए डेटा लोकलाइजेशन पर, डेटा लोकलाइजेशन पर नियम जारी किए आरबीआई ने। जितनी भी ई कंपनियां हैं, पेमेंट कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, व्हाट्सएप पेमेंट करवा रहा है या अलीबाबा पेमेंट करवा रहा है या अमेजन यूज़ कर रही है ई पे कार्ड का, उनको डेटा स्टोर करना पड़ेगा देश के अंदर ही। ऐसा कोई विदेशी बैंक, विदेशी पेमेंट ब्रांच जो पैसा ले रही है इंडिया में, ट्रांजेक्शन कर रही है, डेटा देश के बाहर लेकर नहीं जाएगी, डेटा लोकलाइज स्टोर करना पड़ेगा। नियम था यह आरबीआई का, डेटा लोकलाइजेशन कंडीशन, गलत दिखा स्पेलिंग, डेटा लोकलाइजेशन कंडीशन है आरबीआई की यहाँ पर। ये देवस्थली कमेटी ठीक है, डेटा लोकलाइजेशन की शर्त रखी थी आरबीआई ने कि जो भी विदेशी कंपनियां हैं, जो भी काम कर रही हैं इंडिया में फाइनेंशियल सेक्टर में, उनको डेटा लोकल स्टोर करना पड़ेगा, डेटा बाहर लेकर वो नहीं जा सकती हैं। तो कोई भी बैंक है, कोई भी कंपनी काम कर रही है, स्टोर करना पड़ेगा देश में। आगे बढ़ेंगे आपके साथ। तो जा चुका, अब देखो डेटा जनरेट होगा तो लाना पड़ेगा इंडिया में, स्टोर करना पड़ेगा। वो तो कहाँ काम कर रहा है मालूम ही नहीं देश के अंदर यार, कौन उसको लाइसेंस दे रहा है काम करने। हेड बनाएंगे बॉन्ड आई, नेक्स्ट बनाएंगे बॉन्ड आई, नॉट आई बॉन्ड इज बॉन्ड आई, कई जगह बॉन्डी लिखते हैं एक साथ, बॉन्डी आई हटाए थे, हाइफन हटाए थे बीच में, तो एक बॉन्डी बोलेंगे, बी वन डी आई लिखा होगा यहीं पर पहचान लीजिएगा, या बॉन्ड आई प्रॉपर लिखा हो, हाइफन हटा के लिखा हो तो भी पहचान लीजिएगा बॉन्डी या बॉन्ड आई। ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया एक ब्लॉक चेन बॉन्ड है, लिख लीजिएगा बॉन्ड आई, वर्ल्ड बैंक एक बॉन्ड आई ब्लॉकचेन ऑपरेटेड न्यू डेप्ट इंस्ट्रूमेंट नाम है इसका पूरा, बॉन्ड आई वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया एक ब्लॉकचेन बॉन्ड है या ब्लॉकचेन ऑपरेटेड न्यू डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, पूरा नाम इसका बॉन्ड आई का ब्लॉकचेन ऑपरेटेड न्यू डेप्ट इंस्ट्रूमेंट या बॉन्ड आई। तो भाई बात यहाँ पर ही, तो वर्ल्ड बैंक का इंस्ट्रूमेंट है, ब्लॉकचेन तकनीक जारी किया है बॉन्ड को इसने, नाम है बॉन्ड आई। आगे बढ़ेंगे आपके साथ। नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल हेड बनाएंगे, नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल तैयार किया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल तैयार किया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स तैयार किया है पोर्टल, ये नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल तैयार किया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। नाम से स्पष्ट है, ट्रैक कर सकेंगे चीज़ों को आप कि लॉजिस्टिक आपने सप्लाई भेजा है, माल कहाँ पहुँचा कहाँ नहीं पहुँचा, आप ट्रेन को ट्रैक कर सकेंगे आराम से यहाँ पर कि जो माल आपने पहुँचाया है उसे जगह पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। लॉजिस्टिक पोर्टल आसान हो जाएगा, मिला के भारत की रैंक बेहतर हो लॉजिस्टिक, हम चाहते हैं। तैयार किया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इसको। कितने लोग हो गए दोस्तों, 86 हो गए हिसाब से, चलिए रोकते हैं क्लास को अपनी, कंटिन्यू करना है कल, एक मेरा क्लास और भी एक हो ना, कल मैं आपको बोल चुका हूँ कल हम शाम में मिलेंगे आपके साथ, 6 बजे टाइम रहेगा कल अपना मिलने का, तो 6:15 स्टार्ट करूँगा करेक्ट में, 6:15 करेक्ट स्टार्ट करूँगा, तो समय भी होगा रात तक बैठने का, फिर थोड़ा लेट भी कर पाएंगे हम लोग आराम से। तो 3 से 4 क्लास और बचेंगे लगता है मुझे, अभी कितनी बची हैं, अगस्त हो गया ना, हाँ 4 क्लास इस वीक हो जाएगा मतलब पूरा। थैंक यू।